डायरेक्टर SCERT डॉक्टर ऋषि गोयल जी। NEP 2020 के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है। टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग द इंट्रोडक्टरी मीटिंग टू इनिशिएट द प्रोसेस टू डेवलप द 4 स्टेट्स करिकुलम फ्रेमवर्क्स एंड 25 पोजिशन पेपर्स। SCERT has been entrusted with the task of development of state curriculum framework and position papers. On one hand, it is a great opportunity for all of us, but on the other hand, it's a big challenge. My facilitations to all of you who are members of the special task force for the preparation of state curriculum framework and position papers. Most humbly, I request Deputy Director Shri Sunil Bajaj ji to welcome the chairperson and all the participants and to give us an overview of the complete project. Welcome, Bajaj sir. Thank you, Ruby. Good morning to all respected director Dr. Rishi Goyal, Joint Director Ma'am, Madam Sangeeta Yadav ji, my colleague Ravinder Alawadi ji, my SCERT team, and all the guide principals who are the main coordinator of this meeting. That means those who will play a crucial role in designing, developing, and all that, the national curriculum framework. Now, आप सबसे काफी समय के बाद सभी डाइट प्रिंसिपल से आज बातचीत करने का मौका मिला है, तो एक बार सभी डाइट प्रिंसिपल्स का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं कि आज इस कोरोना काल में पिछले एक वर्ष का लगभग अंतराल, काफी लंबा अंतराल गया है जिसमें हम आपसे जुड़ नहीं पाए। पत्रों के माध्यम से हम अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से हम आपको पत्र भेजते रहे, आपसे बातचीत होती रही, लेकिन अब आज से लगता है कि एक दोबारा से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के परिपेक्ष में आपने सबने अलग अलग रोल अदा किया, अपनी कमेटी अलग अलग कमेटी में अपने सजेस्ट किए, अलग अलग सुझाव दिए और एक बेहतरीन रोल किया। घर से पढ़ाओ अभियान में आप सबने, गाइड फैकल्टी ने ABR CBRP के साथ मिलकर एक बेहतरीन कार्य किया है और आप सभी इस वर्ष फिर उसी कार्य के लिए एक तत्परता से तैयार है। वो सभी कार्य तो साथ चलेंगे, लेकिन ये सर कुछ मेंबर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो उनको अलाउड करवा दो सर प्लीज। नाउ दिस इज नॉट द टाइम बिकॉज 100 आई रिक्वेस्टेड दैट ओनली 100 पर दे कैन ज्वाइन ऑन यूट्यूब। यू सी द मैसेज, शेयर देम द यूट्यूब लिंक, दे कैन ज्वाइन फ्रॉम यूट्यूब एंड चैट। एक डाइट से अगर 3 से ज्यादा जुड़ेंगे तो, क्योंकि 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो चुके हैं तो जोड़ नहीं पाएंगे। हमने इसीलिए जो जूम चेंज किया है ताकि यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करके आप हमारा FLN हरियाणा का चैनल, उससे यूट्यूब पे ये लाइव हो रहा है, आप उस पे ज्वाइन करें। तो सभी साथियों से अगर अपनी डाइट फैकल्टी में आप अगर एक ही जगह बैठे हैं तो एक जगह एक जना ऑन कर ले, एक जना उसको छोड़ दे ताकि बाकी लोग ज्वाइन कर सके। जहां जहां संभव है अगर एक ही कमरे में या आसपास के कमरों में बैठे हैं तो एक ही रूम में दो लोग दूर दूर बैठकर उसको ज्वाइन कर लें ताकि बाकी लोग जो लोग कम से कम एक डाइट से 2 या 3 लोग को जरूर जुड़ सकें। तो सबसे प्रार्थना है इस तरह से अकोमोडेट करें, बाकी लोग यूट्यूब से जुड़ जाएं, आप सभी यूट्यूब से जुड़ें और चैट पे हमारे साथ बातचीत करें। सर लिंक आई हैव शेयर्ड इन द चैट बॉक्स। लिंक हमने अभी बार बार इस चैट में शेयर किया है, इस जूम लिंक में हमने शेयर कर दिया, डाइट प्रिंसिपल वाले पे भी शेयर किया, जहां से भी चाहे आप शेयर कर दो पार्ट। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस मीटिंग को एक प्रॉपर वे से चलाने के लिए हमने इसीलिए जूम पे शिफ्ट किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। तो मैं बात कर रहा था, आप सभी ने एक बेहतरीन योगदान दिया है पिछले वर्ष और इस वर्ष फिर से, जो अब टास्क नए नए आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने हमें सपोर्ट किया, अब उसके बाद तब से हमने आपको एक पत्र भेजा कि सभी डाइट्स कमेटियां बनाएं
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करें, उन टेक्स्ट बुक्स में वो चीजें ढूंढें जहां हम कोर करिकुलम कोर एसेंशियल पार्ट को रख सकें और 21st सेंचुरी स्किल्स को लाने के लिए हम कौन से पार्ट को हम हटा सकते हैं और कौन सा पार्ट हमारा जिसमें हम 21st सेंचुरी स्किल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उनको ला सकते हैं, वो सारी चीजें सोचने के लिए हमने हर जिले में डाइट के माध्यम से कमेटियां बनाई, पहला स्टेप था। उसके बाद हमने ECC हमने और डिपार्टमेंट ने SPD ऑफिस की तरफ से, आप सब में से काफी लोगों ने, एक डाइट से दो लोगों ने ECC के रिगार्डिंग ट्रेनिंग अटेंड। उसके बाद हमने पत्र भेजा वॉलंटियर्स के लिए कि हर एक डाइट में वॉलंटियर्स ढूंढें, वॉलंटियर्स वो लोग जो आपकी मदद कर सकें, जैसे वॉलंटियर शिक्षा मित्र भी हो सकते हैं, वॉलंटियर हमारे FLN के लिए भी काम कर सकते हैं, वॉलंटियर हमारे आने वाले समय में और अन्य कार्य भी कर सकते हैं। तो इन्हीं इसी कड़ी में एक अंतिम जो आज हम जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ साथ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क भी बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये करिकुलम फ्रेमवर्क पेपरलेस बनेगा स्टेट, इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट नहीं करना है, आपको केवल एक ड्राफ्ट तैयार करके और NCERT को शेयर करना है, तो पेपरलेस होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए हमें पूरा लगभग एक वर्ष मिला है, हमें ये जो आज जून जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं, हमें अपनी कमेटियां बनानी, हमें टीम्स बनानी है, हमें लोग ढूंढने हैं जो लोग इस टास्क को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो हमने सबको पत्र भेजा आप सबको और आपसे कमेटियां बनाने के लिए, आप हमें सजेस्ट करें, हम उस कमेटी को फाइनल करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा और उसके लिए हम कमेटियां बनाने जा रहे हैं, जो कमेटियां अब आपके माध्यम से हमें प्रपोज होंगी और SCERT उस कमेटी को फाइनलाइज करेगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर बनेगा। हम सभी स्टेट, ना केवल हरियाणा, सभी स्टेट इस पर कार्य कर रहे हैं और सभी सबमिट करेंगे और अपना स्टेट करिकुलम के आधार पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। इसके अलावा दूसरा जो करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोजिशन पेपर, जो इसके लिए बेसलाइन, जो इसके लिए बेसिक हमारा हर कार्य को कैसे किया जाना है, किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पर किस तरह की गाइडलाइन होंगी, वो सभी आपने निर्धारित कराना। तो चलिए इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा, आज की चर्चा जारी रखूंगा। आज मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं, क्योंकि आज की चर्चा में हमारे साथ हमने इनवाइट किया है NCERT से प्रोफेसर रंजना अरोड़ा जी, वो आज आपसे रूबरू होंगी और आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और थोड़ी गाइडलाइंस क्या है NCERT की वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले क्योंकि डायरेक्टर SCERT से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इस मीटिंग की शुरुआत करने के लिए हम सबको मोटिवेट करें और एक गाइडलाइंस, ताकि हम हरियाणा में एक बेहतर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें और उसके लिए किस प्रकार किन चीजों का ध्यान रखा जाना है, क्या क्या हमें किस तरह से हमें फोकस करना चाहिए, ये कितने महत्वपूर्ण है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करता हूँ कि वो एक बार सभी डाइट प्रिंसिपल्स का और SCERT की टीम का एक मनोबल बढ़ाएं और इस कार्य को करने के लिए प्रेरणा दें। हाँ भाई, नमस्ते भाई। मैडम बाहर जा रही भाई जी, मैडम। हेलो, कल आ जाइए। हेलो बजाज जी, सर आपकी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, वीडियो ऑन नहीं है मेरा, यहाँ से स्टॉप किया हुआ शायद। चल जा रही है, एक हमारी सिस्टर को जा रही था, वो भी उड़ते रहेंगे आपके यहाँ से स्टॉप रहना। आज रहना फोन कर लिए एक बार दीपक सर, सर के एंड से वीडियो ऑफ है, अब हो गया ऑन, फिर ऑफ कर दिया सर। लक्ष्य
एक गिलास पानी देने यार। हेलो सर, स्टार्ट करें। आ गए वो अपने क्या नाम डॉक्टर इंजीनियर, ग्यारह बजे ज्वाइन करना। अच्छा अच्छा, 11 बजे करेंगे। ठीक है ठीक। हुआ बजाज जी, मुझे वो बाकी लोग दिखाई भी नहीं दे रहे। हेलो सर, और अजीब अजीब उनके वार्तालाप सुनाई दे रहे हैं। थैंक यू। सर म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। हेलो हाँ सर, आ रही आवाज अब आ रही आवाज। आदरणीय मैडम संगीता यादव जी, ज्वाइंट डायरेक्टर SCRT, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डाइट्स, और इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी सीनियर एकेडमिशियंस, SCRT फैकल्टी के सीनियर ऑफिस बियरर्स, डिप्टी डायरेक्टर सुनील बजाज जी, और इस सारी एक्सरसाइज को कोऑर्डिनेट करने वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके सीनियर फैकल्टी मेंबर्स मैडम रूबी सेठी जी, अंशु चिंगला जी एंड अदर मेंबर्स। मैं सबसे पहले तो इस पहली मीटिंग में जिसमें सभी डाइट प्रिंसिपल्स के साथ एक औपचारिक मुलाकात हो रही है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ये जो विषय है इसके बारे में कुछ ओवरव्यू सुनील बजाज जी ने हमारे सामने रखा है कि कितने महत्व का ये विषय है और इसमें किस प्रकार का एक पैराडाइम शिफ्ट पहली बार हुआ है, और इसकी डिटेल्स जो है NCERT की सोच इसके बारे में क्या है, और NEP का इम्पोर्ट हमको किस तरह से किस रूप में लिया जाना है। डॉक्टर रंजना अरोड़ा जी एज एन अथॉरिटी को हमारे सामने चीज़ रखेंगी। मैं कुछ सामान्य कंसर्न्स जो आप सब लोगों के साथ काम करते हुए ध्यान में आती हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली आपके सामने और शेयर करना चाहूँगा। ये जो पूरी एक्सरसाइज है NCF को डेवलप करने की और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करने की, क्योंकि फाइनली जो NCF है वो SCF के बेस पर बनना है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट, जैसा कि बजाज जी ने कहा कि पहली बार इस प्रकार की चीज़ हो रही है कि या तो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत सारे राज्यों में बनते ही नहीं थे, उसकी आवश्यकता भी नहीं समझी जाती थी, या फिर बनते थे तो उसको सारा का सारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो चीज़ें कही गई हैं उसी को आधार लेकर के और बनाने की बात होती थी। तो पहली बार जिसको ये कहना चाहिए कि ट्रू फेडरल स्पिरिट के हिसाब से ये काम करने की बात हो रही है कि स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को पहले डेवलप, क्योंकि सारी पॉलिसी में हम देखें तो थॉरली एक चिंता दिखाई देती है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट, रूटेड इनटू लोकल कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब तक ये समग्र रूप में सामने नहीं आएगा लोकल कॉन्टेक्स्ट, तब तक और उस भावना को चरितार्थ नहीं किया जा सकता जो NEP की भावना है। इसलिए और ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि पहले SCF डेवलप किया जाए और विभिन्न राज्यों के SCF में जो चीज़ें आएंगी उनके आधार पर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बने। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर की भावना के अनुरूप है, और एक एकेडमी में जैसी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, उसकी भी भावना के अनुरूप है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी SCRT की टीम ने जिस तरह से ये काम स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करने का काम SCRT को दिया गया, लेकिन जिस तरह से सभी डाइट्स को जो SCRT का एक अभिन्न अंग है और एक ही रूप है उनको उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम किया है, मुझे विश्वास है कि आगे भी ये स्पिरिट जाएगी। क्योंकि पॉलिसी पहली बार ये बात कर रही है कि हमारी ये जो ऑटोनोमी है शिक्षा में, निर्णय लेने की जो एक स्वायत्तता है, यह शिक्षक के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। तो कम से कम हम विद्यालय के स्तर पर, यानी सभी निर्णय जो कुछ भी
यानी आप हम जानते हैं कि भाई आज की जो मीटिंग है इसके दो ही शाश्वत प्रश्न हैं, क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। अब ये क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में सारे निर्णय एनसीईआरटी कर दे या सारे निर्णय और एससीईआरटी कर दे, मैं समझता हूँ कि यह वाजिब नहीं है। उन निर्णयों का कुछ हिस्सा निश्चित तौर पर विद्यालय के स्तर पर भी जो एक टीम है उसको भी उसके जिम्मे भी छोड़ा जाना चाहिए, उसके लायक भी छोड़ा जाना चाहिए, ताकि वहां पर भी विद्यालय के स्तर पर भी और शिक्षा की राष्ट्रीय चिंताएं क्या हैं, शिक्षा की राज्य स्तरीय चिंताएं क्या हैं, शिक्षा की परिवेश की चिंताएं क्या हैं, उन पर एक विमर्श शुरू हो, उन पर एक परिचर्चा शुरू हो, कौन सी पद्धतियां वहां के बच्चों के अनुरूप हैं। तो यह जो स्पिरिट है इस SCF को डेवलप करने की, ये आगे और जाएगी, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और आज की इस मीटिंग से ये भरोसा हमको मिलता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि यह जो एक्सरसाइज हो रही है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करने की, यह एक बड़ी अवधि के बाद हो रही है। 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था, अब कई डॉक्यूमेंट्स में ये एक सदिच्छा जाहिर की गई थी कि हर 5 साल के बाद कम से कम ये एक्सरसाइज, यानी पाठ्यक्रमों को रिविजिट करने की, पाठ्य पुस्तकों को रिविजिट करने की, समयानुसार उनमें बदलाव करने की, क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इन प्रश्नों पर फिर से गहन विचार विमर्श करने की एक मान्य अवधि यह 5 वर्ष होनी चाहिए 5 वर्ष के बाद। लेकिन इन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहे होंगे, हम 15 साल के बाद इस एक्सरसाइज को दोबारा ले रहे हैं। और हमें यह ध्यान है कि 2005 का जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप हुआ था, उस समय जो हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो प्रोफेसर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसका टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। और उस लर्निंग विदाउट, आवाज नहीं आ रही थी सर, बड़ी मुश्किल से शुरू हुई थी। लर्निंग विदाउट, मेरी आवाज पहुंच नहीं रही सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, अब तो ठीक है आपकी आवाज। सर म्यूट हो गया है आपका, सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी, आप आ रही है? आ रही है। यस सर, यू आर क्लियर नाउ, यू आर ऑडिबल सर। बिल्कुल, वी आर लिसनिंग। आपके एंड पर हो रहा है कुछ, मेरे एंड पर नहीं हो रहा है। ओके सर, दूसरे लोग बोलते हैं तो सबको एक साथ म्यूट कर दिया जाता है सर। हाँ, वो फिर उसी कारण से उस चीज को ठीक करें आप, जो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो देखें। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा म्यूट पर रहें। तो वो जो है हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट था जिसको आधार बना करके और 2005 का करिकुलम फ्रेमवर्क बना था। आज हमारे सामने जो एक डॉक्यूमेंट है जिसको आधार मान करके हमने इस पूरी एक्सरसाइज को लेना है, वो NEP 2020 है। और NEP 2020 ने कुछ चिंताएं, राष्ट्रीय स्तर की चिंताएं की जो कंसर्न्स हैं वो हमारे सामने शेयर की है। जो ये जितनी भी कमेटियां बनेंगी पोजीशन पेपर्स डेवलप करने के, हमारे सामने जो सबसे बड़ी गीता और बाइबिल है जिसको हमको ध्यान में रखना है, वह NEP 2020 की जो स्पिरिट है, उसका जो इम्पोर्ट है, वह ध्यान में रखना है। अभी वो कौन सी चिंताएं, हम जानते हैं कि शाश्वत चिंताएं रही हैं कुछ, तो यानी हमारे यहाँ का जो अध्ययन है, शिक्षण है, पठन पाठन है, वह विषयगत सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए, विषय की सीमाएं शिथिल होनी चाहिए। यह चिंता आज की नहीं है, बहुत शाश्वत चिंता है। कैसे क्रॉस डिसिप्लिनरी, कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और टीचिंग लर्निंग में आए और विद्यार्थी जो है और वो समझने की ओर अग्रसर हों, कई बार विषय की सीमाएं जो है उसमें अवरोध उत्पन्न कर। लेकिन अभी तो जो पॉलिसी में एक बहुत क्रांतिकारी बात कही गई है कि ये जो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स है, जैसे हम जनरली 11th-12th के लेवल पर साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल, यह जो स्ट्रीम्स हैं इनके हार्ड सेपरेशन को खत्म किया जाएगा। इसी तरह से करिकुलर और जो को करिकुलर एरियाज का एक सेपरेशन था उसको हम खत्म करेंगे। इसी तरह से एकेडमिक और वोकेशनल के नाम पर कुछ एक सेगमेंटेशन था, एक रेजिमेंटेशन था, उसको खत्म किया जाएगा। ये बात कहने में बहुत अच्छी लग सकती है लेकिन करने में ये उतनी ही कठिन है। अभी बात तो बहुत सुनने में अच्छी लगती है कि विज्ञान का विद्यार्थी और उसको कॉमर्स पढ़ना चाहेगा तो उसको कॉमर्स का विषय ले सकता है, और हिस्ट्री के साथ कोई बच्चा म्यूजिक पढ़ना चाहे वो ले सकता है, केमिस्ट्री के साथ कोई बच्चा फिलोसफी पढ़ना चाहे तो ले सकता है। ये बात कहने में बहुत सुंदर लगती है, आदर्श लगती है, लेकिन जिस भी टीम को इसके ऊपर काम करना है, मुझे लगता है कि बहुत सतर्कता के साथ, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रिकमेंडेशन आज हमारे सामने नहीं है, और स्टेट की जो कुछ भी रिकमेंडेशन हम देंगे
वे सबके लिए मार्गदर्शक बनने वाली है, वे सबके लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए हरियाणा की जो स्थिति है तमाम मामलों में एक लीडरशिप प्रोवाइड करने की, इस मामले में भी मुझे लगता है एक बहुत केयरफुल वर्क करने की आवश्यकता होगी कि यूजीसी इस मामले में क्या सोच रहा है, क्योंकि विद्यालय स्तर पर हम सब्जेक्ट्स की कौन सी बास्केट अवेलेबल कराएंगे बच्चों को, यह अपने आप में और महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अक्रॉस द करिकुला अक्रॉस द स्टेजेस एक सिनर्जी होनी चाहिए। बच्चे जब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जाएंगे तो वहां पर उनको किस प्रकार की कठिनाइयां, वोकेशनल प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिसिन में जाएंगे, बीए बीकॉम बीएससी जैसे, अब वहां भी अगर सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन होना है उस तरह से तो वहां भी बीए बीएससी और बीकॉम इस तरह की सीमाओं का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो फिर तो केवल एक बैचलर डिग्री है उसमें आधे विषय साइंस के भी हो सकते हैं, आधे ह्यूमैनिटीज के भी हो सकते हैं। तो यूजीसी इस बारे में क्या सोचती है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है, उसके साथ एक अलाइनमेंट करते हुए, उसके साथ गहन चर्चाएं करते हुए विद्यालय स्तर की रिकमेंडेशंस बननी चाहिए। जहां तक पॉलिसी का इम्पोर्ट है वो हमारे लिए स्कूल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ही उतना इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि हमारी वो गीता और बाइबल है, सेम इज ट्रू विद हायर एजुकेशन सिस्टम, उनके लिए भी वही और जिसको कहना चाहिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। लेकिन उस मार्गदर्शक सिद्धांत को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए उनके स्तर पर क्या सोच चल रही है, इससे एक बहुत सघन संवाद हमको स्थापित करना होगा और उसके आधार पर और हमें आगे बढ़ना होगा। अभी एक दूसरी चिंता, वो भी आज की चिंता नहीं है, पुरानी चिंता है, तमाम पहले के डॉक्यूमेंट्स में भी आई है, वो क्या है कि भाई हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारी टीचिंग लर्निंग का सारा ढांचा, हमारे करिकुला, हमारी टेक्स्ट बुक्स, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने वाले होने चाहिए, रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाना चाहिए। ये बात तो बहुत अच्छी है और मैं मानता हूं कि इस बात से, क्योंकि जितना भी ये रोट लर्निंग वाला मामला प्रमोट होता है, एनकरेज होता है, वो एग्जामिनेशन सेंट्रिसिटी के कारण से होता है। अब पूरे के पूरे हमारे सिस्टम में एक एग्जामिनेशंस की सेंट्रिसिटी ऐसी है कि जिसके कारण से हमें विश्वास ही नहीं होता कि बिना और पेन पेपर एग्जामिनेशन के भी कोई मूल्यांकन किया जा सकता है, बिना पेन पेपर एग्जामिनेशंस के कोई असेसमेंट हो सकता है और कोई दूसरी गतिविधियां की जा सकती हैं या जो प्रशासनिक मुद्दे हैं उनको हल किया जा सकता है, हमको ये विश्वास ही नहीं होता। हम जानते हैं 2009 में सीसीई आई थी और उस सीसीई की स्पिरिट यही थी कि भाई एग्जामिनेशन सेंट्रिसिटी खत्म होनी चाहिए, खासतौर पर जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हैं उनकी सेंट्रिसिटी। एक प्रयोग दसवीं के स्तर पर करने का किया गया था, हम जानते हैं उसका क्या हश्र हुआ कुछ ही वर्षों में, और हम सब ने और ये कहना शुरू किया कि हमारे तमाम जो गोल्स हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई चौपट हो रही है, उसका एकमात्र कारण ये दसवीं के एग्जामिनेशन के साथ जो छेड़छाड़ हुई है। और फिर से जो है और चारों तरफ से ये आवाजें जो है कि नहीं, न केवल दसवीं का एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, आठवीं के स्तर पर भी एक एग्जाम इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, पांचवीं के स्तर पर भी एक एग्जाम इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। पॉलिसी की रिकमेंडेशन तो अभी आई है लेकिन ये स्वर हमारे और दिखाई देते हैं। और फिर मंथली असेसमेंट होना चाहिए, हर महीने का फिर नहीं हुआ तो दो महीने बाद हम करेंगे, तीन महीने बाद करेंगे और असेसमेंट और एग्जामिनेशन को, जबकि यदि पॉलिसी की स्प्रिट ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने की है, तो मेरा कहने का मतलब एग्जामिनेशंस को और डू अवे करना ये नहीं, एग्जामिनेशंस की सेंट्रिसिटी कैसे कम हो यह जरूर एक बात रहेगी। तो 2009 की पीसीई के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के स्पिरिट क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था, हम फेल कहाँ हुए और कहाँ गड़बड़ियां हुई, कौन से ऐसे निर्णय थे जिनके कारण से हमको रिवर्ट करना पड़ा, फिर से जो है दूसरी चीजों पर जाना पड़ा। आज फिर पॉलिसी अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात करती है तो कैसे हम उस चीज को रियलाइज करेंगे, तो हमारे खास तौर पर स्टेट स्पेसिफिक जो एक्सपीरियंसेस हैं और उनको हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हुई, हमने सीसीई को इम्प्लीमेंट करते समय क्या क्या चीजें आई सामने हमारे, और आगे हमको आगे का रास्ता क्या करना है अगर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोट लर्निंग को डिस्करेज करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें असेसमेंट और एग्जामिनेशन को सीरियसली रिव्यू करना पड़ेगा, रीलुक करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। इसी से जुड़ी हुई एक बात है कि केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं, विद्यार्थी जो है वो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग
का एक स्प्रिट डेवलप होना चाहिए, कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए, उसकी उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो क्रिएटिव फैकल्टीज है वो डेवलप होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आनी चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं को उसका जो सामना करना है, तो वह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग है ये स्कूल डेज में ही उसका अभ्यास होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सुरेंद्र सिंधु जी बैठे हैं, इस मीटिंग का भाग है, उनका फोटो मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, तो वो एक एनजीओ के साथ मिलकर के एक बड़ी संख्या में उन्होंने और न केवल क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को एसेस करने वाले प्रश्नों की एक प्रश्नावली, प्रश्नों का एक बैंक डेवलप किया, न केवल इतना किया तो बहुत सारे शिक्षकों को भी उन्होंने इस बात के लिए प्रशिक्षित किया कि वो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग और हमारे करिकुलम ट्रांजेक्शन के अंदर कैसे आए, उस प्रकार के प्रश्न कैसे बने। तो हरियाणा में हमारे पास एक अच्छी लिगेसी इस बात को लेकर के, और पॉलिसी भी कहती है कि भाई शिक्षा एजुकेशन शुड बी फॉर इंक्रीजिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये जो हमारा अनुभव है पिछले कुछ वर्षों का, तीन चार वर्षों का, जिसके कारण जिसके परिणाम हमें पीसा वाली जो बाकी जो असेसमेंट्स हुई हैं या जो थर्ड पार्टी असेसमेंट्स हुई हैं उनमें जो कुछ अच्छे परिणाम आए हैं, कुछ हमारे ब्लॉक जो है सक्षम ब्लॉक बने हैं, तो यह जो एक अच्छा काम है और जो लिगेसी हुई है इसको कैसे स्केल अप करना और कैसे पॉलिसी के इम्पोर्ट को और बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट करना, सब विद्यार्थियों तक क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की ये बात पहुंचे, ये मैं सोचता हूँ कि एसटीएफ का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने रहने वाला है। एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पॉलिसी पहली बार मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर के और बहुत जिसको कहना चाहिए कि भाई बड़े उत्साह से इसके बाद बात को करती है। यद्यपि पूरे भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए त्रिभाषा सूत्र लागू होना चाहिए, ये तो बिल्कुल प्रारंभ की जो हमारी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी या इनिशियल एजुकेशन पॉलिसीज थी उनमें ये बात आ गई थी, बहुत बहुत पहले, दशकों पहले ये बात आ गई थी। लेकिन सवाल ये भी एक विचार करने का होगा कि क्या त्रिभाषा सूत्र की जो भावना थी उसको हम उस भावना के अनुसार उसको लागू कर पाए क्या, विशेष रूप से हम अपने राज्य में, क्या जो कुछ समय पहले मुझे पता चला कि 70 के दशक में 80 के दशक में कुछ दक्षिण भारत की भाषाएं हमारे राज्य में पढ़ाई जाती थी और कुछ पश्चिमी जो है राज्यों की भाषाएं भी एक आध जगह विद्यालयों में उपलब्ध थी, तो ये त्रिभाषा सूत्र की भावना तो यही थी कि दक्षिण और अन्य जो प्रदेश हैं, आंचल हैं, वे हिंदी में अपने प्रति स्वीकार्यता दिखाएंगे और हिंदी भाषी जो राज्य हैं वे देश के अन्य जो क्षेत्र हैं उनकी भाषाओं को पढ़ने में सीखने में रुचि दिखाएंगे तो वह राष्ट्रीय एकता का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में उतनी रुचि हम नहीं दिखा पाए, ये भी एक सत्य है। तो फिर से हमको ये देखना होगा कि अब त्रिभाषा सूत्र को तो यूं का यूं कायम है, उसकी उसका उद्देश्य भी यूं का यूं कायम है, तो हम ये मल्टीलिंगुअलिज्म को जब प्रमोट करेंगे उसको करते हुए पिछले दशकों में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में हमारे जो अनुभव रहे, हमारी सफलताएं रही, विफलताएं रही, उनका संज्ञान लेते हुए कैसे इस बहुभाषावाद को बढ़ाना। आज हिंदी हमारी प्रथम राजभाषा है, पंजाबी हरियाणा में दूसरी राजभाषा है, संस्कृत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर स्तर पर विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक भारत की एक अस्मिता की भाषा होने के नाते से उसको प्रमोट करने की बात करती है। एक बड़ा क्षेत्र हरियाणा में ऐसा है जिसमें उर्दू एक महत्वपूर्ण भाषा है और अंग्रेजी जो है और एक महत्वपूर्ण विषय है। भाषा की जो समस्याएं हम जानते हैं कि चारों प्रमुख कौशल हैं, चाहे वो संभाषण का है, चाहे लिखने का है, चाहे बोलने का है, उसको लेकर के हमारे राज्य की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं। हमको कहा जाता है यद्यपि आंचलिक प्रभावों का हम स्वागत करते हैं, आंचलिक प्रभावों को और सेलिब्रेट करने की बात कही गई है, लेकिन ये भी सत्य है कि कई बार हमारे विद्यार्थी और जब कार्य के क्षेत्र में जाते हैं तो उनके उच्चारण में जो आंचलिक असर होता है वो कई बार उनके लिए थोड़ा सा, तो जो एक स्टैंडर्ड कुछ प्रोनाउंस हिंदी के उपयोग में भी जो जिसको कहना चाहिए कि एक मानक जो उच्चारण है उस मानक उच्चारण से यदि हम दूर हैं, हमारे विद्यार्थी दूर हैं, तो इसको एक चुनौती के रूप में हमको लेकर के जाने की आवश्यकता है। आज जिस गुरुग्राम में SCERT काबिज है वह केवल पूरे देश का नहीं तो एक अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का हब है, जहां पर जिसको कहना चाहिए कि तमाम प्रकार के वर्क एनवायरमेंट की मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं, हरियाणा के विद्यार्थियों को उसमें जाना होता है, उसमें अप्लाई करते हैं, उनका एस्पिरेशन होता है। तो अंग्रेजी की शिक्षण की स्थिति क्या है, अंग्रेजी में हमारे बोलने की स्थिति क्या है, हमें इस बात की एग्जैक्ट स्टॉक टेकिंग लेने की आवश्यकता होगी और उसके आधार पर
हमको जो ये करिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट का डेवलप करना है कि आज लिखने के स्तर पर, बोलने के स्तर पर और भाषाओं की क्या स्थिति है, इसका संज्ञान हमको लेना पड़ेगा। और एक बड़ी बात जो पॉलिसी कहती है वो एक वैचारिक बदलाव लेकर के आने की है। अभी तक जब हम विद्यालयों के स्तर पर भाषाओं के शिक्षण और अध्ययन की बात करते रहे हैं तो एक ही बात मन में आती है कि कौन सी भाषा विषय के नाते से लेने की अनुमति होगी, उपलब्ध कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी। उपलब्ध कराई जाएगी तो उसकी परीक्षा बोर्ड विद्यालय स्तर पर होगी या बोर्ड के स्तर पर होगी, उसका शिक्षक कहाँ से आएगा, शिक्षक की पोस्ट कैसे क्रिएट होगी और उसका वेतन कहाँ से आएगा, कितनी पोस्टें बनेंगी। हम इसी ऊहापोह के अंदर और इस भाषा के एक विशेष साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। पहली बार पॉलिसी बात कर रही है कि एक लैंग्वेज का फेस्टिवल, यानी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक शिक्षक को बहुभाषा, यानी किसी न किसी दो चार भाषाओं के कुछ वाक्य कम से कम बोलने आने चाहिए। हम किसी दूसरे वर्क एनवायरनमेंट में जाएं तो वहाँ आइस ब्रेकिंग कर सकें, परिचय कर सकें, इतनी कुछ हमको भारत के अन्य राज्यों की भाषाएं आए, हमको अंग्रेजी भी आए, इतनी हमको संस्कृत भी आए। तो यह जो एक सेलिब्रेशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म है, इसको मैं समझता हूँ कि जो कमेटी हमारे टीचर करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेगी, टीचर एजुकेशन के करिकुलम फ्रेमवर्क पर काम करेगी, उसको ये विचार करना होगा कि हमारे शिक्षक तैयार करने के जो पाठ्यक्रम है उसमें हम बहुभाषावाद की स्पिरिट को कैसे लेकर के आए। आज हम एक विद्यालय के अंदर जाते हैं, सामान्यतया हमको और एक ही हिंदी बोलने वाले ही मिलते हैं और हिंदी में भी कई बार जो है बिल्कुल आंचलिक हरियाणवी बोलने वाले ही, अच्छी अंग्रेजी के दो चार वाक्य हमारे कानों में सुनाई दें और दूसरी भारतीय भाषाओं के कुछ वाक्य सुनाई दे अच्छी, तो ऐसा होता नहीं है सामान्यतया। तो वो स्थिति कैसे आए ये हमको करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर जो है विचार करना होगा कि क्या उसके लिए अपने को करने की आवश्यकता होगी। सारी स्टॉप टेकिंग करते हुए हायर एजुकेशन में हमारी जितनी इंस्टीट्यूशन है, किन किन में दूसरी भाषाओं के डिपार्टमेंट चलते हैं और उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, हरियाणा में उस विषय को आगे बढ़ाने में कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ये जरा अंशु जी कुछ आवाज आ रही है, जरा एक माइक ऑन है देख लीजिएगा प्लीज उसको। और अगली जो एक विषय है जो केंद्रीय चिंता है हमारे जो करिकुलम फ्रेमवर्क की, वो रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। ये पहली बार मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्व की बात कही गई है, क्योंकि और औपनिवेशिक प्रभावों से जिस प्रकार की मानसिक दासता की और समयों में से हम गुजरे हैं तो हमारे शिक्षा तंत्र के अंदर भी, शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भी एक बड़ी समस्या ये रही है कि भारत का जिस प्रकार का एक सम्यक बोध होना चाहिए, भारत को ठीक ठीक स्वरूप में उसके उसकी अच्छाइयों को, उसकी कमजोरियों को, उसके गौरव को, उसके पास्ट को और उसके आधार पर भविष्य का भारत का एक चित्र जैसा बनना चाहिए, क्योंकि भारत के संबंध में अधकचरी, अधूरी और औपनिवेशिक प्रभावों वाली जानकारी वह पाठ्यक्रमों में उसकी भरमार रही है। हमारे सोशल साइंसेस के पाठ्यक्रम उसका विशेष रूप से शिकार रहे हैं, भाषाओं के पाठ्यक्रम विशेष रूप से उसका शिकार रहे हैं। तो आज जब स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के नाते से हम इस पर विचार करेंगे तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता होगी कि पॉलिसी जिस बात को कह रही है कि रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया, कैसे हम विज्ञान के पाठ्यक्रम में, सामाजिक विज्ञानों के पाठ्यक्रम में जो कुछ भी हमारे पूर्वजों का योगदान, अच्छी चीजें हैं जिसके कारण से न केवल हमें गर्व करना है, जिसके कारण से दुनिया को बहुत बड़ा लाभ मिला है, उन सब बातों की ठीक ठीक जानकारी और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आ पाए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हमको ये निभानी हो। और सिनर्जी इन करिकुलम, ये एक बड़ी बात, कल बजाज जी से बात हो रही थी कि हम जो ये सेगमेंटेशन है ये केवल विद्यालय के स्तर पर नहीं है, तो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर भी सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के लोगों के साथ बीच में जितना संवाद होना चाहिए वो संवाद प्रायः कम होता है, अपेक्षा से बहुत कम होता है। और आज जैसा मैंने अभी ये सब्जेक्ट बाउंड्रीज की और स्ट्रीम बाउंड्रीज की बात की, तो एक जो प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020 है उनमें एक सिनर्जी इन करिकुलम, वो हर लेवल पर, ये जो 5 साल के 15 साल हुए हैं ये तो राष्ट्रीय स्तर पर एक देरी हुई है, हमको अपने राज्य के स्तर पर विचार करना होगा कि कैसे हमारा जो अंडरग्रेजुएट एजुकेशन का सिस्टम है उसके साथ हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम की सिनर्जी कैसे डेवलप होगी करिकुला के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो वो उस चीज को भी कुछ जो है ये जो हमारी कमेटीज हैं उनको विचार करने की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैं आपको ध्यान कराना चाह रहा था कि पॉलिसी का इम्पोर्ट क्या है। और यदि हम शाश्वत दृष्टि से देखें, जो अन्य पॉलिसीज का भी भाग रही की चिंताएं रही हैं, इस पॉलिसीज की भी उतनी ही चिंताएं हैं। मोटे तौर पर हमारे सामने
और जो सब्जेक्ट एरियाज हैं जिनके करिकुलम हमको बनाने हैं, जिनकी टेक्स्ट बुक्स हमको डेवलप करनी है, वो तीन चार ही है। एक लैंग्वेजेस का एरिया है, एक मैथमेटिक्स का एरिया है, एक साइंस का एरिया है और एक सोशल साइंस का एरिया है। लैंग्वेजेस के एरिया की मैंने आप मल्टीलिंगुअलिज्म के नाते से चर्चा की कि कैसे जो है हमारे हिंदी के एक्सेंट का एक बड़ा इश्यू है, कैसे डेफिसिट इन इंग्लिश ही हम स्टेट लेवल पर फील करते हैं और उन सारी चीजों को हमको कैसे एड्रेस करना है। और ये जो है एक चीज जो है मुझे लगता है कि जो कमेटी इसके ऊपर पोजीशन पेपर तैयार करेगी और बाद में स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का जो हिस्सा होगी वह, और पूरी एक मनोयोग के साथ पूरी सतर्कता के साथ उन विषयों का संज्ञान लेगी। जहां तक साइंस की बात, और पिछले दिनों जो कॉब्से है, काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, और हम सबकी ये मान्यता है कि साइंस और मैथमेटिक्स एक ऐसे एरिया है और जो यूनिवर्सल है, तो पूरे देश में लैंग्वेजेस और हिंदी और लैंग्वेजेस और सोशल साइंसेस के पाठ्यक्रमों में तो ये जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, स्टेट कॉन्टेक्स्ट है, ये ज्यादा मायने रखता है। लेकिन साइंसेस में तो बच्चों को अक्रॉस द स्टेट मूव करना है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, मेडिसिन के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, तो 11वीं 12वीं के लेवल तक साइंस के करिकुला एक जैसे रहे, इस बात पर हमारी एक राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है। लेकिन पॉलिसी अगर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को फिर से एम्फेसाइज करने की बात कर रही है तो हमको साइंसेज में भी ये एक्सप्लोर करना होगा कि हमारे स्टेट के वास्तव में इश्यूज क्या है, क्योंकि साइंस का मुद्दा हमें पर्यावरण के प्रति जो हमारी चेतना है, पर्यावरण का जो मुद्दा है, उसके साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो देखना होगा कि हमारे हरियाणा के उस प्रकार के मुद्दे क्या हैं, वे हमारी करिकुला में उस प्रकार से उचित जगह उनको मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवेंशन करना पड़ा, वो हरियाणा का भी था मुद्दा, पंजाब का भी था, और उसके कारण से दिल्ली का भी बहुत बड़ा था, कैसे दिसंबर के महीने में और सब कुछ हमको दिखना बंद हो गया था, दिन में रात बन गई थी। ये स्टबल बर्निंग बहुत बड़ा इश्यू है, हम जानते हैं कैसे हमारे उत्तरी हरियाणा के अंदर पैडी के कारण से और वाटर लेवल हमारा लगातार डिप्लीशन हो रहा है, कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब हमारे और खत्म हो गए, उसके कारण से किस प्रकार की हमारे इकोलॉजिकल प्रभाव हुए हैं, कौन से पशु, कौन से पक्षी, कौन से पौधे जो हमको आज से 10 साल पहले और अपने आसपास दिखाई देते थे लेकिन आज हरियाणा में वो दिखने बंद हो गए हैं। इन सारी बातों की चिंता, और मैं समझता हूँ कि साइंस का जो करिकुलम फ्रेमवर्क और डेवलप करने वाली हमारी टीम होगी वह उसका उचित संज्ञान लेगी और उसके आधार पर अन्य राज्य भी उस चिंता को जो है अपने सामने रखेंगे। इसी प्रकार जो चौथा एरिया है वह सोशल साइंसेस का है, जिसके संबंध में मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जो टीम है और हरियाणा का जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है वो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय चिंता, क्योंकि सोशल साइंसेज में राष्ट्रीय चिंताओं का भी उतना ही महत्व है, कैसे हर भारतवासी एक जन के रूप में, भारत माता के पुत्र के रूप में उसको प्रतीति हो, उसको एहसास हो और पाठ्यक्रम उस बात की पुष्टि करें, ये इसको इंश्योर करना बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता का हम दर्शन करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे पाठ्यक्रमों ने इस बात के साथ कम न्याय किया है, विविधताओं को बढ़ा करके और बहुत सारे तत्व जो भारत को उस प्रकार से प्रगति को नहीं देखना चाहते उन्होंने विविधताओं को भेद के रूप में परिणत करने का कार्य किया है, विविधताओं को मतभेदों में, मनभेदों में परिवर्तित करने का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में हुआ है। हरियाणा में भी हम उन चिन्हों को खोज कर सकते हैं, तो कैसे हमारे पाठ्यक्रम इस बात को एड्रेस करेंगे कि विविधता है, विविध प्रकार की विविधता रहेंगी, सामाजिक स्तर की, आर्थिक स्तर की रही है और आज भी है और भविष्य में भी आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम एक चीज कर सकते हैं तो वो है कि उन विविधताओं के भीतर वह एकता का तत्व कौन सा है, उस एकता के तत्व के ऊपर बल दिया जाए, उस एकता के तत्व की अनुभूति कराई जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम भाग्यशाली हैं हरियाणा राज्य के भाई, हम एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं जहां पर हमने पूरे मध्यकाल के अंदर और विदेशी आक्रमणों का पूरी वीरता के साथ सामना किया और हरियाणा की तमाम जातियां, हमारे हरियाणा के तमाम अंचल, उनको ये गौरव प्राप्त है कि वो उन्होंने जो है विदेशी आक्रमणकारियों का लोभा लेने में और एक बड़ी भूमिका अदा की। हमें इस बात का भी गौरव है कि हरियाणा में स्वाधीनता संग्राम की एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ी गौरवशाली लिगेसी हमारे सामने मौजूद है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी बड़े नायक हैं, गांधी होंगे, नेहरू होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे, किसी न किसी रूप में सबने हरियाणा को विजिट किया और उनके जो चिन्ह है हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र में आपको बिखरे हुए मिलेंगे। हमको आज एक प्रश्न ये है, क्या हमारा विद्यार्थी
इस गौरवशाली अतीत की ठीक से प्रतीति कर पाता है? क्या हमारे पाठ्यक्रम उस बात की उसको जानकारी देते हैं? क्या उसके मन में ये एहसास होता है कि हरियाणा एक हरियाणावासी के नाते से भारत को बनाने में और भारत को भारत का ये दर्जा दिलाने में कितना बड़ा योगदान हरियाणा वासियों का रहा है? क्या हमारे पाठ्यक्रम उस विषय के साथ न्याय करते हैं? ये एक प्रश्न है, फिर से विचार करने की आवश्यकता होगी। आज हमें अपने हरियाणा के सोशल फैब्रिक के ऊपर भी विचार करना होगा। हम जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज जो है वो, और उसकी बड़ी आवश्यकता ये है कि आधा हिस्सा जो है मेल है आधा फीमेल है, तो ये जेंडर सेंसिटिविटी और एक जेंडर रेस्पेक्ट फॉर द जेंडर, हमें पता है कि हमारी समस्याएं क्या क्या रही हैं, कैसे क्यों हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान और हरियाणा से शुरू करना पड़ा, अब सब उससे वाकिफ हैं, लेकिन क्या उसमें हमारा हमें ठीक है अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, हमने उसमें अपने जेंडर रेशो को बढ़ाया है, लेकिन क्या इससे हम उस काम को पूरा मान लें? क्या हमारे पाठ्यक्रमों की कोई भूमिका जो काम बच गया है उसको पूरा करने में होने वाली है? ये एक बड़ा प्रश्न जो है मैं समझता हूँ कि हमारे सामने है। और आज हमको ये देखना होगा कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम हैं वे एक जो इंटीग्रेशन की फीलिंग है, इंक्लूसिवनेस की फीलिंग है, क्या हमारे समाज में कुछ ऐसे समूह आज भी हैं, वो जातिगत आधार पर होंगे, वो दूसरे सामाजिक आर्थिक आधार पर होंगे। पीछे हरियाणा में एक कमीशन बनाया गया कि जो घुमंतू जातियां घुमंतू जातियों के आधार पर और उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में लेकर के आया जाए। आजादी के इतने वर्षों के बाद, हरियाणा के इतने वर्षों के बनने के बाद यह समस्या सतह पर आई कि हरियाणा के अंदर कुछ घुमंतू जातियां हैं जिनका संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हरियाणा में हुई तो लगा कि समाज के कुछ समूह वो एलिनेशन, कुछ अलगाव की एलिनेशन की कुछ ना कुछ उनमें असुरक्षा की भावना है, तो हमारे पाठ्यक्रम कैसे उन सारी भावनाओं को का संज्ञान लेते हुए, उनका कॉग्निजेंस लेते हुए, एक जन एक भारत और एक भारत माता के पुत्र के रूप में सबको प्रतीति हो, आने वाली जो पीढ़ी है जो हमारे विद्यालयों से निकल के और कल को समाज में जाएगी, कल को वो हरियाणा के सारे नेतृत्व को संभालेगी, सारे कामकाज को संभालेगी, उसका चिंतन वह स्वस्थ बने, स्पष्ट बने, उसके अंदर तमाम प्रकार का जिसको कहना चाहिए कि क्षीण जो बोध है, स्थानीय बोध है, जातीयता के बोध है, जितनी भी जो स्मॉलर आइडेंटिटीज हैं, उन स्मॉलर आइडेंटिटीज से ऊपर उठ करके हमारे विद्यार्थी कैसे एक बिगर आइडेंटिटी को रियलाइज करेंगे, यह कुछ प्रश्न मुझे लगता है कि जो हमारा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क पर काम करने वाली टीम्स हैं उनके सामने चुनौतियां होंगी, उनके सामने प्रश्न होंगे। जैसा सुनील बजाज जी ने कहा कि हम इस बात का स्वाभाविक रूप से गौरव कर सकते हैं कि बहुत सारे विषयों पर हम सब ने मिल करके और एक दूसरे का सहयोग करते हुए कुछ विषयों में पूरे देश के अंदर, और चाहे वो ऑनलाइन इस सारे महामारी के समय में ऑनलाइन शिक्षण को कामयाब बनाने की बात थी, विद्यार्थियों तक विभिन्न माध्यमों से पहुंच बनाने की बात थी, जितनी मीटिंगें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हुई, मैडम अनीता कारवाल जी के साथ हुई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को और एडमिट किया, इस बात के लिए अप्रिशिएशन उन्होंने दिया कि हरियाणा से हम बड़े संतुष्ट हैं और हरियाणा ने अच्छा काम किया है। वह जो प्रशंसा के शब्द और केंद्र के नेतृत्व की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमको प्राप्त हुए हैं, वस्तुतः आज की बैठक में जो सहभागी हैं वे ही उस अभिनंदन के सही सही पात्र हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह जो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा ये जो पैराडाइम चेंज हुआ है, देखिए हम NEP 2020 में, जैसा कि मैं कुछ प्रिंसिपल्स की चर्चा कर रहा था, जो की कंसर्न्स की चिंता कर रहा था, साथ के साथ मैं ये भी बता रहा था कि उसमें बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जिसमें शब्द बदलते होंगे लेकिन वो हमारी शाश्वत चिंताएं बहुत वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन अगर कोई अभिनव बात है तो वो ये बात है कि NEP 2020 को बनाने में जितनी मात्रा में लोगों के साथ संवाद किया गया, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशंस किए गए, वह चाहे सुझावों की संख्या के रूप में हो, वह चाहे कितने पेज आए वो नंबर ऑफ पेजेस के रूप में हो, वो कितनी गोष्ठियां और सेमिनार्स हुए उन गोष्ठियों और सेमिनार्स के नंबर के रूप में हो, कितने गांवों तक आउटरीच हुआ, गांव-गांव तक पहुंचा गया, चाहे उन गांवों की संख्या हो, हर दृष्टि से एक बहुत ही मैमूथ डिस्कशन और पार्टिसिपेशन NEP 2020 को तैयार करने में किया गया है। अब जो जैसा कि बजाज जी ने भी कहा था कि ये जो हमारा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनने हैं चारों, तो स्कूल एजुकेशन का है, टीचर एजुकेशन का है, एडल्ट एजुकेशन का है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का है, वो उसमें भी उतनी ही विशद भागीदारी की आवश्यकता होगी और इस बात को विश्वास में लेकर के हमको चलना होगा कि ठीक है ऊपर से
आप एससीईआरटी में कुछ बैठे लोगों की सीधी सीधी जिम्मेदारी होगी, डाइट में बैठे कुछ लोगों की सीधी सीधी जिम्मेदारी होगी, लेकिन लेकिन अच्छी बातों का रियलाइजेशन जो ग्राउंड पर जो प्रैक्टिशनर है, जो हमारा शिक्षक बैठा हुआ है, उसमें उसके पास हम अधिकतम संख्या में पहुंच पाए। और मुझे पूरा विश्वास है पिछले कुछ वर्षों में जो नई जनरेशन शिक्षकों की हमारे विद्यालयों में आई है उसका स्तर बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें से यंग लोगों में से भी हम उनके विचार जान करके इस काम को आगे बढ़ाएं। मैंने अपेक्षा से शायद कुछ मिनट फालतू ले लिए हैं और आपने मेरा सहयोग किया इस बात के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्य में यशस्वी होने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया एक सारगर्भित आपने आज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हरियाणा किस तरह से अपने स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करेगा उसके उदाहरण के साथ, एनसीएफ में जो गाइडलाइंस हैं, जो अभी तक हमें गाइडलाइंस मिली हैं, आपने उन सभी पहलुओं को उदाहरण के साथ हरियाणा में किस करिकुलम में किस विषय में कहाँ कहाँ क्या क्या स्कोप है हरियाणा के अंदर आपने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। मैं इन्हीं बातों को थोड़ा सा और चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे बीच मैडम रंजना अरोड़ा जी, जिनके पास समय बहुत कम है, बहुत प्रार्थना के बाद उन्होंने हमें समय निकाला, उनकी 12:15 दूसरी मीटिंग है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से मैडम रंजना अरोड़ा जी का, जो नेशनल लेवल पर करिकुलम फ्रेमवर्क को लीड कर रहे हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं और हरियाणा की तरफ से उनसे एक हरियाणा की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत के लिए प्रेरणा देने के लिए वो आज हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनसे चाहता हूं कि वो एक बार सभी हमारे डाइट प्रिंसिपल्स जो हमारे फोकस ग्रुप बनने जा रहे हैं उनको एक बार गाइड करें, प्रेरणा दें। वेलकम मैम। रंजना अरोड़ा मैम प्लीज, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है किसी कारण से, टेक्निकल कारण से शायद वो भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जैसे ही वो जुड़ जाएंगे। सॉरी जी, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, होस्ट अनम्यूट नहीं कर रहे थे हमें। जी थैंक यू सुनील जी, बहुत ही धन्यवाद आज यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। सो परम आदरणीय डायरेक्टर एससीईआरटी डॉक्टर ऋषि गोयल जी, डिप्टी डायरेक्टर सुनील बजाज जी एससीईआरटी हरियाणा, हेड करिकुलम डिपार्टमेंट एससीईआरटी हरियाणा, और मेरे और जितने भी कलीग्स हैं एससीईआरटी हरियाणा से और डाइट्स के से जुड़े हुए सारे प्रिंसिपल्स और फैकल्टी मेंबर्स, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और ये बहुत अच्छी बात कही सुनील जी ने कि ये बहुत ही एक अच्छा काम शुरू होने जा रहा है और जिसपे हम सबको एक एक प्रेरणा की और एक एक इंस्पिरेशन की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि ऋषि जी ने कहा कि ये रियली एक इस बार ये एक अलग तरीके से जो है होने जा रहा है, एक यूनिक मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है जिसमें हम बॉटम अप अप्रोच लेकर चल रहे हैं। पहले SCFs बनेंगे और उसके बाद हमारे NCFs बनेंगे। अभी तक हमेशा टॉप डाउन अप्रोच चलती आ रही थी, हालांकि हमेशा स्टेट्स के साथ ही मिलकर बनाते थे, लेकिन इस बार पहले स्टेट्स सारे करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएंगे और उसके बाद जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्टेट्स की प्रैक्टिसेस, स्टेट्स के एक्सपीरियंसेस, स्टेट्स के इनिशिएटिव्स और स्टेट्स की जो डाइवर्सिटी है, जब वो आप अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे 36x4 जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यू विल फाइंड हमारे पास 100 से ज्यादा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क या यूटी करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे पास आएंगे, नेशनल लेवल पर पहुंचेंगे, और उन सबको एनालाइज करके एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा जो कि डाइवर्सिटी को पूरी तरह से एड्रेस करता हुआ बनेगा। और फिर वहां ही नहीं रुकेंगे, जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन जाएंगे उसके बाद हम फिर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स पर वापस आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट शब्द का यूज किया गया है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स के पहले। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बाद फिर
स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क पर आएंगे और जहां जहां जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स पर जो डिसीजन लिया गया होगा, जो रिकमेंडेशंस ऐसी होंगी जो अक्रॉस द नेशनल लेवल जो इम्प्लीमेंटेबल होंगी, उन्हें फिर स्टेट जो है अपने करिकुलम फ्रेमवर्क में देखेंगे और उसके बाद उसी हिसाब से रिवाइज करेंगे. तो वन कैन सी दैट इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों को काफी समय तक जुड़ना पड़ेगा और तब हम देश को एक बहुत अच्छा जो है वो ना केवल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बल्कि हर स्टेट में भी एक अच्छी स्टेट राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनकर उभरेगी और जो कि एक ऐसी गाइडलाइन का काम या दिशा निर्देश का काम करेंगे जो कि पूरे स्टेट्स के और अक्रॉस द कंट्री जितने भी स्कूल से होंगे उनको अच्छी तरह से गाइड करने का काम करेंगे. तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस को देखा होगा. हम लोगों ने इसी प्रोसेस में 25 फोकस ग्रुप्स की बात की है. कई लोगों का जब हम लोग ये इस चर्चा शुरू की हम लोगों ने तो सबने यही कहा कि चार करिकुलम फ्रेमवर्क्स और फिर करिकुलम और फिर आप लोग फोकस ग्रुप्स भी बना रहे हैं. फोकस ग्रुप्स बहुत जरूरी है बनाना और फोकस ग्रुप्स की पोजीशन पेपर की भी बहुत जरूरत है क्योंकि जब हम स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क पर चर्चा करेंगे ECC पर तो वहां पर ECC के एक्सपर्ट्स होंगे और वो ECC पर चर्चा तो करेंगे परंतु जब हम स्कूल एजुकेशन की चर्चा करेंगे तो स्कूल एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो तमाम अलग तरह के एस्पेक्ट्स की बात होगी. ECC पर तो चलिए ये बात हो सकती है कि बच्चों को क्या दिया जाए, किस तरीके से उनका ट्रांजैक्शन हो उनके क्लासरूम्स का, उनको एजुकेशन देने वाले कौन हो, तो वो एक मोटी मोटी चर्चा ECC पर हो सकती है उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट पर. पर जब हम स्कूल एजुकेशन में आते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं. हमें साइंस एजुकेशन पर अलग से चर्चा करनी पड़ती है, हमें मैथमेटिक्स एजुकेशन पर अलग से चर्चा करनी पड़ती है, पूरा एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर अलग से चर्चा करनी पड़ती है, वैल्यू एजुकेशन कैसे दी जाए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या आए, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होगा, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग कैसी जाएगी. तो ये तमाम बातें हम केवल एक कमेटी में बैठकर हमें करना शायद मुश्किल होगा अगर हम स्टीयरिंग कमेटी बना भी दें तो इसीलिए इनके लिए अलग अलग हमें फोकस ग्रुप की जरूरत होगी जो कि उसका स्टेटस देखेंगे. साइंस एजुकेशन का स्टेट में क्या स्टेटस है और साइंस एजुकेशन का स्टेटस देखने के बाद और साइंस एजुकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और साइंस एजुकेशन के लिए को NEP 2020 के पर्सपेक्टिव में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की बातें जब एक छोटे से फोकस ग्रुप में अच्छी तरह से होंगी तो वो जो पोजीशन पेपर आएगा वो शायद स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा और इस तरह से वो जो और वहां से जो इनपुट्स मिलेगा तो हमारे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स फाइनल होंगे और इसी तरह का इंतजाम हम लोगों ने इसी तरह का मैकेनिज्म हम लोगों ने नेशनल लेवल पर भी रखा है. हमें 25 नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाएंगे और उनके पोजीशन पेपर से हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स को इनपुट मिलेगा और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स को इनपुट ना केवल नेशनल फोकस ग्रुप से मिलेगा बल्कि आपके सबके जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स आएंगे उनसे भी मिलेगा. तो वाकई बहुत बहुत बड़ा टास्क है. जब हमने कैलकुलेट किया था तो अराउंड जब आप लोग टेक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो 1300 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे इस पूरे प्रोसेस में और वो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. 25 × 36 सभी 36 स्टेट्स UT 25 फोकस ग्रुप्स तैयार करेंगे, फिर सभी स्टेट UT चार चार करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे. इसके अलावा जब आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन करेंगे क्योंकि दो लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन होना है, एक तो आपके स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन होना है जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, सो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करना है और चाहे वो आप अकेले अकेले डिस्ट्रिक्ट्स पर करें चाहे तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करके करें, इट वुड बी अप टू यू. और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन NCERT करेगी. NCERT भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन करेगी जिसमें दो या तीन जो है वो कंसल्टेशन एक स्टेट के लिए करने की बात की गई है. जो बड़े स्टेट्स होंगे उनके लिए 10 बड़े स्टेट्स के लिए हम लोगों ने 3 कंसल्टेशन कहे हैं और 26 छोटे स्टेट्स के लिए हमारे 2 कंसल्टेशन होंगे, लेकिन वो NCERT की तरफ से होगा. उसकी रिपोर्ट NCERT के नोडल ऑफिसर्स को बनानी होगी और जबकि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की रिपोर्ट आपके नोडल ऑफिसर्स को बनानी होगी और ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन रिपोर्ट जो है वो आपकी वेबसाइट पर जाएंगी. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन को भी अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन भी आपका ग्रुप में होगा. ECC का वहां पर ग्रुप बनेगा, वहां पर आपका करिकुलम स्कूल एजुकेशन का ग्रुप बनेगा,
वहां पर आपका एडल्ट एजुकेशन का ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप में अपनी बात करेंगे और आपको पूरी तरह से एक फॉर्मेट होगा उस पर आपको उस ग्रुप के जो है वो उसके इनपुट्स मिलेंगे, उनके सजेशंस मिलेंगे, ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी और आप इस तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे। यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पर आपकी चार रिपोर्ट्स आएंगी, ECC पर एक, एक एडल्ट एजुकेशन पर, एक टीचर एजुकेशन पर, एक स्कूल एजुकेशन पर। तो वहां भी आप देखेंगे कि कितने सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार हो रहे होंगे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कंसल्टेशन रिपोर्ट्स होंगी उनकी हेल्प करेंगी, वो हेल्प करेंगी फोकस ग्रुप के मेंबर्स को। तो फोकस ग्रुप के मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन की हेल्प लेंगे और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के जो मेंबर्स होंगे वो फोकस ग्रुप की हेल्प लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा ग्रास रूट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक के प्रोसेस को हमें चलाना होगा ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस में पूरा का पूरा टेक प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि हम लोग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट प्लेटफॉर्म। अभी तो हम लोग अभी जो हमारे यहाँ एक टेम्पलेट कमेटी बनाई गई है, जो टेम्पलेट कमेटी वर्क कर रही है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं जब आपका मोबाइल ऐप बने। तो आपने देखा होगा स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में एक मोबाइल ऐप की भी बात की गई है। वो मोबाइल ऐप 3000 कम्युनिटी मेंबर्स से जो है हमें रिस्पॉन्सेस लेनी है हर स्टेट को। तो वो मोबाइल ऐप वो 3000 आपको मोबाइल ऐप को लेकर 3000 लोगों तक लेकर जाना पड़ेगा जो आपके कम्युनिटी मेंबर्स हैं वहां पर, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके आशा वर्कर्स हैं, जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके पास उस मोबाइल ऐप को लेकर जाना पड़ेगा और उनके एरिया से उनके एरिया से उनसे उनके रिस्पॉन्सेज लेने होंगे। तो 3000 कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन पर हर कंसल्टेशन में जो भी आप जैसे भी आप नंबर आप डिसाइड करके बुलाओगे वो हो गए। उसके बाद आपके फोकस ग्रुप्स हो गए। तो बहुत ही ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन और बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस होंगे जिसका वाकई बहुत बेनिफिट मिलेगा नेशनल लेवल के करिकुलम फ्रेमवर्क्स को। सो बस आप लोगों के लिए यही कहना है कि हम सबको जितना ज्यादा हो सके ये सोचकर कि हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर में, आगे आने वाले वर्षों में किस प्रकार बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा दे सके। हम सब जानते हैं COVID-19 के समय में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और इन चैलेंजेस को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना नहीं भूलना होगा। हम जब स्कूल एजुकेशन की बात कहेंगे तो हम स्कूल एजुकेशन को दोनों तरीके से देखेंगे, स्कूल एजुकेशन जो कि स्कूल के अंदर चार दीवारी के अंदर हो सकती है और स्कूल एजुकेशन जो इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है घर पर भी हो सके। तो उन दोनों सिचुएशन को लेकर आपके फोकस ग्रुप के लिए बहुत चैलेंज होगा और SCF और NCF के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम हर कोई भी रिकमेंडेशन देने लगेंगे तो हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा कि ये रिकमेंडेशन हम एक स्कूल में क्लासरूम ट्रांजेक्शन के लिए दे रहे हैं और दूसरी रिकमेंडेशन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जबकि बच्चा घर पर है तो वहां पर वो किस तरीके से होगा। तो हमें शायद हमारे लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं इन 1-1.5 सालों में और शायद हम सब ने अपने पर्सनल लेवल पर और अपने ऑफिशियल लेवल पर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस और कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस झेले हैं जिनकी कोई शायद कोई भरपाई नहीं है, पर फिर भी वी हैव टू मूव ऑन और हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो 100 लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है हम देख रहे हैं कि ये सब उन चीजों से उभर कर सामने आए हैं और फिर से एक हम लोगों ने अपनी एक मुहिम फिर से स्टार्ट कर दी है। वी आर ऑन द मिशन मोड। NCERT में भी आज सारे लोग धीरे धीरे आने शुरू हो गए। हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को खोया है इस बार NCERT में, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों को, उनके फैमिली मेंबर्स को खोया है। बट लाइफ लाइक लर्निंग लाइफ इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग और ये कंटिन्यू करती रहेगी और हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा जो है वो ये जो मिशन है इसको सक्सेसफुल करेंगे और बहुत अच्छे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स और बहुत ही अच्छे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स कंट्री को दे पाएंगे जिससे हमारे स्कूल एजुकेशन की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम for your wonderful motivation to the state team, information given
whether we are to work with the district level, with from ASHA worker to senior level, all levels we have to work. इन सभी के साथ हमें काम करना है, एक नेशनल लेवल पे एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनाना है। और आपने हमें ये भी बताया कि कैसे जो SCF हमारा तैयार होगा वो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, पहले फर्स्ट फेज में ड्राफ्ट जाएगा, जो एक साल ड्राफ्ट भी हमारा एक साल में तैयार होगा और फिर वो NCERT को सबमिट करेंगे, NCERT उसके बेस पे हमारा नेशनल बनेगा और फिर नेशनल बनने के बाद हम अपने स्टेट को दोबारा से उसके साथ मैप कर सकते हैं, अडेप्ट या अडोप्ट कर सकते हैं। तो मैडम आपने अपने कीमती समय में से हमारे सभी डाइट प्रिंसिपल्स को, सभी SCERT फैकल्टी को आपने आज यहाँ सबको एक मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए समय निकाला और हमें सूचना देने के लिए और जानकारी देने के लिए और किस प्रकार हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। अब देखिए करिकुलम फ्रेमवर्क में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सभी को हम समय देंगे, आप अपने प्रश्न भी पूछेंगे। तो जैसे मैडम ने बताया कि चार पांच चीजें हैं महत्वपूर्ण जिनका हमें ध्यान रखना है, डायरेक्टर सर ने भी उसी बात पर फोकस किया था और मैडम ने भी उसी बात पर फोकस किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन को ध्यान रखना है। तो आप जब पोजिशन पेपर बनाएंगे तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके पोजिशन पेपर में उसके बारे में क्या कहा गया है और किस प्रकार उसको हम अपने पोजिशन पेपर में ला सकते हैं, हमारे डायरेक्टर सर ने किस तरह से उदाहरण देकर अलग अलग विषयों में अलग अलग टॉपिक्स पर किस तरह से हम स्टेट के इनिशिएटिव्स को, स्टेट के कंसर्न को इसमें कंसिडर कर सकते हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पे हम कैसे इसमें जो शिक्षा का जो 21st century स्किल्स को अचीव करना है, जो हमारी जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि नॉर्मल जो जिसमें हम टेलिंग मेथड, एक्सप्लेनिंग मेथड यूज करते हैं, उसको कैसे 21st century स्किल्स लेके आनी है, बच्चों के अंदर कैसे हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बात करते हुए और बच्चों को एक उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग इसके बारे में बातचीत करनी है, इस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा हमारी ट्रेडिशंस, हमारे स्टेट में हमारी कौन सी ट्रेडिशंस हैं, हमारी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, हमारी क्या स्टोरीज हैं, क्या राइम्स हैं, क्या प्रोवर्ब्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने स्टेट का हम चाहते हैं कि उसको एक कंसिडरेशन मिले, एक कंसर्न मिले और वो हमारे नेशनल लेवल पर भी प्रस्तुत हो। इसी तरह से हमारी वैल्यूज, हमारी कौन सी वैल्यूज है उसको कैसे हम NCF में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पैडागोजी जो बनेगी वो 5+3+3+4, जैसे मैडम ने बताया कि ECCE पर हमें विशेष रूप से फोकस करना होगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि बच्चे का जो ब्रेन का मैक्सिमम ग्रोथ है वो शुरू के 6 वर्षों में, और ये फाउंडेशनल ईयर कहे गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो हमें इस पे बहुत बेहतरीन ढंग से कार्य करना है और हमें बच्चों को कैच देम यंग, उनको शुरू से ही उनके अंदर वो वैल्यूज, वो स्किल्स उनके अंदर इनकल्केट कर देनी है ताकि वो आने वाले समय में एक बेहतर नागरिक के रूप में कार्य कर सके, अपने एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में हमारे करिकुलम को बेहतर ढंग से कर सके। उसमें ECC में विशेष कर जो फोकस रहने वाला है अप टू फाउंडेशनल लिटरेसी, उसमें टॉयज बेस्ड, गेम बेस्ड, प्ले बेस्ड मेथड, वो हमें उसी पे फोकस करना होगा। जो ECC से लोग जुड़े हैं उनको खासकर इसी बात पे फोकस करना होगा। चलिए अब हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे टीचर्स की, हमारे डाइट्स की और हमारे किसी भी प्रकार की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अवेलेबल हैं उनको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सारा का सारा काम जो इस बार इम्पोर्टेंट है वो है हमें पेपरलेस करना है। ये जो एक साल का हमारा जो पूरा टारगेट है, जो हमें जुलाई 2022 तक तैयार करना है ये सारा डॉक्यूमेंट, पहले पोजिशन पेपर और फिर उसके बाद SCF, पहले हमें पोजिशन पेपर तैयार करना है, उसके बाद पोजिशन पेपर के बेस पे हमें साथ साथ SCF सारे चारों के चारों SCF तैयार करने हैं और उनका ड्राफ्ट हम NCERT को सबमिट करेंगे एक वर्ष बाद। तो पूरा समय है, जबकि एकेडमिक काम के लिए नॉर्मली अभी तक जब भी कोई काम आता था तो उसमें 1 महीना 15 दिन इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन ये पूरी प्लानिंग के साथ डेट बाउंड ये पूरा शेड्यूल हम आपको शेयर करेंगे, कब कब कैसे कैसे होना है, कैसे सर्वे होंगे,
किस तरह से फील्ड में वो जो डॉक्यूमेंट हमें नेशनल लेवल से जो हमारे सर्वे के अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे, अलग अलग सर्वे के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आएगा, वो कैसे हमें कंडक्ट करना है। जैसे मैडम ने बताया 3000 लोगों तक, कम से कम 3000, तो वो डाइट के माध्यम से होगा। तो आपको टेक्निकल टीम भी अपने साथ जोड़नी है, आपको एक्सपर्ट्स भी अपने साथ जोड़ने हैं, वो पोजीशन पेपर के साथ हैं, उसके बाद आप लोगों ने फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो सभी टीम्स बनाई हैं। तो अभी अंशु सिंगला जी तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए। जो सभी डॉक्यूमेंट जो विशेष रूप से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उसको एक क्रमबद्ध रूप से आपसे बातचीत करेंगे। तो मैडम अंशु सिंगला जी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर गेस्ट्स, डायरेक्टर सर, मैडम रंजना अरोड़ा जी, सुनील बजाज जी, सभी डाइट प्रिंसिपल और हमारे सभी पार्टिसिपेंट जो भी एकेडमिक हैं और एससीईआरटी फैकल्टी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो अभी हम सुबह से एससीएफ और इसके विषय में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हमारे डायरेक्टर सर और उसके बाद रंजना मैडम और हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर ने बता दिया। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटेजी जो है, जो बात की जा रही है कि कैसे कैसे टाइम लाइन शेयर की गई, उसके विषय में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, ताकि हमें आसानी रहेगी। और ये चीज, हालांकि हम ये डॉक्यूमेंट हम आपको मेल से भी क्लियर कर देंगे, बता देंगे, बट इसको तो हमें अभी ये, मैं इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी कर रही हूँ कि हमें अभी, जैसे मैडम ने बताया कि 25 पोजिशन पेपर फोकस ग्रुप के बनेंगे और 4 हमारे अलग अलग एससीएफ क्यूरिकुलम के बनेंगे। तो इनकी टीम जो बन रही है उसके लिए, इसके लिए हमने सबसे पहले आपसे डाइट फैकल्टी से ये एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, जिसके अंदर 25 के 25 रिसोर्स ग्रुप है, जिसमें एक एक नोडल ऑफिसर हमारा, स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारा एससीईआरटी से है और एक हमारा डाइट से है। तो हमारे यहाँ 21 डाइट्स है, मैं रंजना मैम को भी बताना चाहूंगी, और 4 हमारे गेटी और बैट है, तो उन सबको हमने एक एक अलॉट किया हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट सभी डाइट जी, एक मिनट आप इसको ना स्क्रीन शो कर लें, तो स्क्रीन सर किया हुआ नहीं हो रहा कब, क्या कहते हैं, अच्छा उसमें करना पड़ा था। तो फुल स्क्रीन कर ले मैडम इसको, आप फुल स्क्रीन सर कर दिया, आप हो गया। तो ये हमारी जैसे टोटल 25 बताए गए थे फोकस ग्रुप, पहले 12 स्पेस पर आ गए थे, इधर नॉलेज ऑफ इंडिया, वैल्यू एजुकेशन। टाइम कम देखते हुए सर मैं ज्यादा नहीं बताऊं या बोलूं सबके नाम जैसे कहें आप। तो जैसे इसमें हमारे एससीईआरटी से मैं जुड़ी हुई हूँ और डाइट इकस जुड़ा हुआ है नॉलेज ऑफ इंडिया में, वैल्यू एजुकेशन में डॉक्टर सुंदर राणा है, इनके मैं मोबाइल नंबर भी हम अपने लेटर पे सभी एससीईआरटी डाइट्स को इनके शेयर करवा देंगे ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में श्रीमती राजेश यादव है और ये मताना है डाइट, और उसके बाद जेंडर एजुकेशन में रुचिका रानी है जो कैथल डाइट के साथ जुड़ी हुई है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल में मनोज कौशिक जी हैं और उसके बाद वो उनके साथ जुड़े हुए हैं डीन सिरसा में। टीचर एजुकेशन में श्रीमती तनु भारद्वाज, जिनके साथ हम पाला से डाइट से जुड़े हुए हैं, मोरा से। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्कूल में श्रीमती सरिता और डॉक्टर रेखा है, इनके साथ हमने गेटी मोरनी हिल और इसके साथ डाइट पंचकूला को भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करा है क्योंकि उसमें कम है मेंबर। तो ये डिटेल की अगर जो दिक्कत आएगी तो हम बाद में बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंट शायद हमें रिवाइज करना पड़े, जैसे कि अभी रंजना मैम ने बोला, अभी तक हमने 4 ही बनाए थे, 4 कुछ डाइट्स को बांट दिया था ग्रुप्स को कि एक एक स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, जैसे स्कूल एजुकेशन के ऊपर एक, चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन पे एक, टीचर एजुकेशन पे और एक हमारा एडल्ट एजुकेशन पे। तो अभी ये फिलहाल है, अगर इसमें कोई चेंज होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी हमने इसके ऊपर सोचना शुरू करना है। एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी या डॉक्यूमेंट विच हैज बीन शेयर्ड बाय द एनसीईआरटी, कि सबसे पहले उन्होंने ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, जो एक्शन होना है वो बताया गया है। तो सबसे पहले अप्रैल 2021 में फाइनलाइजेशन ऑफ 25 ग्रुप बन गए फोकस ग्रुप। तो वो ग्रुप आपको, तो वो हमें इसने जैसे पिछली बार अनेबल एडिटिंग कर दें, अनेबल एडिटिंग करें तभी आपकी स्लाइड मूव करेगी। हाँ जी, जल्दी क्या कर रहे हैं, ऊपर अनेबल एडिटिंग करते हैं, क्या कर रहे हो, एडिटिंग क्या कर रहे हो सर, आ रहा है स्लाइड, स्लाइड तभी मूव करेंगे, मूव कर रही है ना, आ रही हूं, तब तो मूव कर चुकी हूं इससे।
अनेबल एडिटिंग कर दे मैडम, क्लिक कर दे। अनेबल एडिटिंग करना तो करें। ऊपर ऊपर एक टास्क बार है उसमें आ रहा है अनेबल एडिटिंग, उसको कर दे। तो इसमें हमें पहले जैसे मैंने बताया आपको स्लाइड शो भी नहीं हुआ है, स्लाइड शो भी हुआ है। स्लाइड शो तो हो गया। तो सबसे पहले 25 एनसीईआरटी ने हमारे 25 वो ग्रुप बना लिए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। पिछली बार एनसीएफ में 21 थे, इसमें चार और ऐड हुए हैं जिसमें कि एक तो फिलॉसफी, उसमें एम ऑफ एजुकेशन था, यहाँ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, ऐसे ही एक नॉलेज ऑफ इंडिया और कुछ टॉपिक और डाले गए हैं। तो टोटल 25 फोकस ग्रुप हमारे बन चुके हैं जिसके विषय में हमने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद अप्रैल में ही एक हमने एक्सपर्ट आइडेंटिफाई करना है जो एनसीईआरटी में करेगा फोकस ग्रुप को और उनको कनेक्ट करेगा विद द प्रीवियस मेंबर्स। हाँ जी, इसमें हमने आइडेंटिफाई करके और जो प्रीवियस स्टीयरिंग कमेटी थी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके उसके साथ लिंक करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है जो टेक्निकल टीम सेटअप करनी है जिसका काम होगा एकेडमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एनसीए। तो इसमें एमओई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे बताया गया ये सारा वर्क आपका पेपरलेस होना है, तो जो हमें ऐप और पोर्टल दिए जाएंगे उसी के ऊपर ही हम करेंगे काम। तो ये इज है। उसके बाद है टेम्पलेट जो अभी काम चल रहा है, जैसे डॉक्टर रंजना अरोड़ा जी ने बताया था प्रोफेसर ने कि हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से हमें वहीं से मिलेंगे और उसमें हमने अगर कोई ऐड करना होगा तो कर लेंगे। तो दैट क्वेश्चंस विल बी फॉर ईसीसी एडल्ट एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, सबके लिए होंगे। और स्टेट को अपलोड करेंगे वो क्वेश्चन विद द लोकल एंड इंडिजिनियस फ्लेवर फॉर ऑल द 4 SCF। ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड स्पेसिफिक टेम्पलेट बनेंगे, ऐप बेस्ड सर्वे होगी क्वेश्चनर के लिए और MCQs बेस्ड ऑनलाइन सर्वे थ्रू माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ एक उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है ज्वाइंट मॉनिटरिंग ऑफ SCF प्रिपरेशन। तो इसमें हमारा NCERT हमारी हैंड होल्डिंग करेगा, वो एक नोडल ऑफिसर जो अभी यहाँ बना चुके हैं NCERT और SCERT से, दे विल कोऑर्डिनेट। और हमें किसी भी हमारे डाइट फैकल्टीज को या डाइट प्रिंसिपल्स को वो नहीं है क्योंकि ये सारा लुक आफ्टर होगा, वो हमारी हैंड होल्डिंग होगी NCERT की तरफ से। तो जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलती रहेगी और हमारी तरफ से भी जैसे हमें जो जो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी हम बार बार आपसे डिस्कस करते रहेंगे थोड़ा। उसके बाद है हमारा जुलाई 21 में, ये अभी NCERT का ही काम है, इसके अंदर वर्कशॉप लगानी है विद द स्टेट टू डिस्कस SCF। ये अभी फॉर्मली एक वर्कशॉप और होनी है, ये तो आज हमने अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज की थी। इसी तरह जुलाई 21 में ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम है नोडल ऑफिसर का बाय NCERT टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर SCF पेपरलेस। अनदर जुलाई 21 में है शेयरिंग ऑफ ई टेम्पलेट। तो जो अभी टेम्पलेट वहां जनरेट हो जाएंगे वो हमारे साथ शेयर जुलाई में होंगे एंड देन वी विल गो फर्दर। अब इसके बाद हमारा जो SCF डेवलप करने के लिए जो हमारा मेन काम है, अभी तक हमने डिस्कस किया जो NCERT कर रही थी, ये हम लोगों ने जो ई टेम्पलेट हमारे को मिलेंगे वो हमने शेयर करने हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप या जो भी हमें अपने स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर में हमारे टीचर्स भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, सारे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करके जैसे हमें गाइडेंस मिलेगी उन लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे। स्टेट फोकस ग्रुप हमने बनाना है, जैसे कि आप लोगों को जो एक लेटर दिया गया था उसमें यही कहा है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन लोग हैं। तो अभी इसके विषय में ये डिसाइड हुआ है कि 15 जून तक आप अपनी अपनी कमेटी बनाएंगे जो भी आपको लगता है। तो ये कंडीशन नहीं है कि आपको अपनी ही डिस्ट्रिक्ट का लेना है, मे बी जैसे नू में कह रहे थे कि कम लोग रह जाएंगे तो हम लोग कैसे इतने लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यू कैन टेक पर्सन फ्रॉम एकेडमिशियन फ्रॉम अदर स्टेट्स और अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। और इसके साथ ही स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी SCF डेवलप करने के लिए। ये वन बाय वन है, ये चारों जो SCF है एक साथ नहीं होंगे। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन और ECC के बारे में है ये जुलाई में, दूसरा जो हमारा एडल्ट एजुकेशन या दूसरा था टीचर एजुकेशन वो जाके सितंबर और फिर उसके बाद डेवलप होंगे। तो इसमें भी थोड़ा वो परेशान नहीं होने की जरूरत, कईयों को लग रहा था कि एकदम इतना काम कैसा होगा। तो अभी हमारा फोकस मेनली होगा टू डेवलप दिस फोकस ग्रुप को बनाना और उनसे कुछ ये डेवलप करवाना, पोजिशन पेपर के ऊपर काम करना शुरू करें। अगस्त में आपके ये क्वेश्चंस हैं वो सर्वे होंगी, इसमें जैसे मैडम ने भी बताया था कि 3000 कम्युनिटी मेंबर्स होंगे जिनके अंदर आपने ये क्वेश्चन शेयर करने होंगे। दैट कैन बी डन थ्रू योर वॉलंटियर्स जो NSS के भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, विद वन आइडेंटिफाइड एक्सपर्ट्स टू
उसके बाद है मार्च अप्रैल में है पोजीशन पेपर तक तैयार, ये फरवरी तक था भाई काम जाके, फरवरी में जाकर हमें पोजीशन पेपर देने हैं, इतनी जल्दी नहीं है, काफी डिले से ही है, मार्च अप्रैल में लिखा ना स्टेट क्लियरिंग कमेटी, जनवरी फरवरी में डेवलपमेंट ऑफ पोजीशन पेपर है, ये अगले साल 2022 में जाकर बनेगा, जो हम लोगों का लेफ्ट ड्राफ्ट हो जाएगा वो आगे जाकर करेंगे एंड पेपर विल बी अपलोडेड ऑन ऑनलाइन। उसके बाद मार्च अप्रैल में जो हमारी स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी डिस्कशन के लिए, अच्छा इसमें एक ये भी है कि हम लोग जब आप लोग नाम भेजेंगे उसके बाद यहाँ पर भी स्टेट लेवल की कमेटीज बनेंगी, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, वो हमारी डिस्कशन करेगी विद द पोजीशन पेपर एट स्टेट लेवल कमेटी, और ये जिस तरह से मीटिंग जब बीच बीच में ऑर्गेनाइज होगी वो आपको समय समय पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मई जून में जो हमारा ड्राफ्ट SCF का रेडी हो जाएगा वो अप्रूवल करेंगे, वो अप्रूवल हमारी चारों SCF की टीम करेगी मई जून 2022, और फिर जुलाई अगस्त 2022-23 में इसको हमने शेयरिंग करनी है विद NCF के साथ, ये NCERT के साथ, और इसको दोनों अपनी लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज हमारी हिंदी ही है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो मोस्टली मेरे ख्याल से ये टाइमलाइन करती है, एक और है नहीं तुम स्टॉप शेयरिंग। तो अभी इस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड अगर कोई एकाधिक किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जैसे जैसे हमें समझ आएगा हम लेटर आपको समय समय पे निकालते रहेंगे हमारे डाइट वाले पर। कोई अगर कुछ कहना चाहे एक दो जो भी बात करना चाहे तो अपनी पॉइंट रख सकते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए चाहे वर्बल आप अपना अनम्यूट करके। हाँ जी ठीक है, चलो चैट बुक में डालिए, चैट बॉक्स में। सॉरी जसमीत बोलना चाह रही, कोई एक जना अनम्यूट करके बता दीजिए जो चीज अभी तक शेयर हुई है, क्लियर हो गई है ना आपको शायद। इसी में आगे भी दिया हुआ है कि हमने जैसे एक मैंने ये कुरिकुलम फ्रेमवर्क ECC का और स्कूल एजुकेशन का दिखाया उसकी टाइमलाइन, ऐसे ही सितंबर से शुरू होकर टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन का है। तो ये प्रॉपर लेटर पूरा का पूरा जो NCERT से आया था वो हम एज सच सभी डायरीज को फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं सभी को एश्योर कराना चाहते हैं हमारे NCERT से मैं भी जुड़े हुए हैं डायरेक्टर सर को भी, कि जैसे सर ने उससे कहा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट हम अपनी इंडिजिनियस चीजें, कई बार एज ए टीचर हम पढ़ाते हुए लगते हैं कि ये क्या बातें डाली हुई है, जैसे इंग्लिश की बुक में मुझे याद है कई लेसन वो थर्ड लेवल वाला जो था, मैं कई बार सोचती थी कि कनेक्ट ही नहीं कर पाते बच्चे, बिकॉज हमारे यहाँ उस तरह की तीन लेवल के कोई ना मेट्रो स्टेशन है, हालांकि अब तो हो गए हैं। तो इस तरह की चीजें जो क्वेश्चन जो लेसन या जो चीजें हम चाहते हैं वो बाद की बात है, तो सिलेबस डिसाइड होने के बाद भी सीखी जाएगी, बट फिर भी जो हम चीजें अपनी डालना चाहते हैं जैसे वैल्यू एजुकेशन पे बहुत आ रहा है या क्रिएटिव थिंकिंग और ये सब चीजें हम इसके अंदर जरूर डालेंगे। और इसके अलावा इसको हम पूरा पूरी उससे करेंगे पूरी इच्छा से पूरी ईमानदारी से, और इसके अंदर हम लोगों ने जो भी बेस्ट हम अपना दे पाएंगे, और क्योंकि ये पेशेंस वाला काम है और हमें टाइम भी बहुत अच्छा मिला। तो कई बार अध्यापकों को या टीचर्स को एज ए टीचर एजुकेटर हमें अपने आप को भी ज्यादा पढ़ने का या इतना मौका नहीं मिलता या हम नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो एक हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हम सभी एज ए एजुकेशनिस्ट कि हम लोग जो एक्चुअल जिस काम के लिए हैं हमने एजुकेशन की कैसे उनको इम्प्रूव करना है तो उसके ऊपर हम अपना काम करके और अपना बेस्ट दें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंशु मैडम, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमें पूरी लक्ष्य आधारित कार्य योजना के विषय में विस्तृत जानकारी दी और साथ ही टाइमलाइंस को फॉलो करने के विषय में भी बताया और ये भी समझाया कि कैसे चरणबद्ध तरीके में हमने इस कार्य को आगे बढ़ाना है, SCF के निर्माण का कार्य और पोजीशन पेपर्स के निर्माण का कार्य। जैसे जैसे हम बैठक के विभिन्न सत्रों में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कार्य से संबंधित समझ भी बनती जा रही है। और अब मैं इनवाइट करती हूँ मैडम पूनम यादव को, टू शेयर हर व्यूज ऑन रोल ऑफ NCF इन द डेवलपमेंट ऑफ SCF 2021। फ्रेंड्स वी आर ऑल अवेयर दैट व्हेन वी डेवलप समथिंग इट इज नॉट डेवलप्ड इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी बिल्ट ऑन द प्री एक्सिस्टिंग आइडियाज and it has to draw its inspiration from the previous documents. Poonam Yadav ma'am is an active faculty member of the science department and gives her valuable inputs in all the programs of the various departments. Ab main invite karti hu ma'am, please
give your views on role of NCF 2005 in the development of SCF 2021. Poonam Yadav ma'am. Good afternoon to all the respected who are representing the district level DIET faculty as nodal officers as well as member of teams, which is which has been set up to accomplish the task of development of SCF, which will decide the formation of NCF at all. It is my privilege to join this meeting. As you all know that the hard work and precious time spent on the accomplishment of a task always pays off. This becomes legitimate when the important work on the documents like NCF is to be done. The task of development of position papers in 25 different well-defined focus areas and then the development of four SCFs, which have been discussed here since morning, it has been assigned to the DIETs and SCRT. As we all know that the DIETs and SCRT have always done a very good and completed the challenging task, which have provided in previous times also. Maybe we consider the task of the development and the awareness generation programs related to NCF 2005. NCF 2005 is the latest document that we can say that. In the form of the curriculum framework. So, आप सभी के साथ जुड़ने के साथ साथ क्योंकि हमने जो बेसिक्स हैं उनके बारे में जाना, जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझा, जो हमारा टास्क है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो टास्क हमें कैसे कैसे अकम्प्लिश करना है, जो उसकी स्ट्रेटेजी है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने मैडम अंशु सिंगला जी की सहायता से समझने का प्रयास किया. अब क्योंकि हमारा जो कार्य है, जो हमारा काम है, वो SCF 2021 which will be developed on the basis of NEP 2020, तो उसके ऊपर काम करना है, तो उसी का एक ब्रीफ ओवरव्यू आप सभी के समक्ष में रखना चाहूंगी. लेट अस कम टू द करिकुलम. एज वी ऑल नो, हम सभी इसके बारे में जानते भी हैं कि करिकुलम क्या होता है, बट स्टिल अगर हम उसको थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास करें तो इट इज द कोर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन. अगर स्कूल एजुकेशन के करिकुलम की बात करें तो द होल स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द करिकुलम. जितनी भी स्कूल्स में एक्टिविटीज होती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज मे बी को करिकुलर है, मे बी करिकुलर एक्टिविटीज हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, दे कैन बी टर्म्ड एज करिकुलम. तो इसलिए अगर हम इसकी रेंज देखें तो द रेंज इज वेरी ब्रॉड. और अगर हम इसको डाउनवर्ड अगर देखना चाहें तो इसमें सिलेबस, देन टेक्स्ट बुक्स, देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज असेसमेंट, वो सब इसके साथ जुड़े हुए हैं. अगर हम इसको ये कहें कि जो हमारे पास नया करिकुलम तैयार करने के लिए या एक SCF का जो डेवलपमेंट हमारा राज्य जो तैयार करेगा आप सभी के सहयोग से, तो उसके लिए अगर रिकैपिचुलेट किया जाए कुछ अलाइनिंग डॉक्यूमेंट्स को जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लाइन में ही ये बात कही थी कि हमारी पास्ट की गई जो मेहनत होती है वो हमारे भविष्य के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवश्य बनती है. तो जो फैक्टर्स करिकुलर डिसीजंस को हमारे जो प्रेजेंट जो हमने तैयार करना है उसको तैयार करने के लिए जिनकी सहायता हम ले सकते हैं, तो उनके लिए हम रिकैपिचुलेशंस कर सकते हैं, थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट हमारी NEP 2020, हमारे प्रीवियस जो NCFs हैं, चाहे वो 2005 का है, 2000 का है, उससे पहले के भी जो 1975, 1988 के भी जो NCFs हैं उनको भी देखा जा सकता है, वो भी हमारे लिए एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट का काम करेंगे. हमारा जो अब प्रेजेंट जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा वो पांचवा फ्रेमवर्क कहलाएगा. अब तक जो प्रेजेंट जो हमारा NCF 2005 जो अब तक चल रहा है ऑपरेशनल है, वो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट है. तो इसलिए
जो एनसीएफ 2000 है और 2005 जो कि हमारे इमीडिएट डॉक्यूमेंट्स हैं, थोड़ा सा मैं उनका ओवरव्यू आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल नंबर वन स्टेज इज द डेवलपमेंट ऑफ पोजीशन पेपर्स एंड नंबर टू स्टेज इज द डेवलपमेंट ऑफ एससीएफ्स। सो जो हमारे एनसीएफ्स पहले तैयार किए गए थे जिनको डिसेमिनेट किया गया था स्टेट्स में, तो उनकी क्या बेसिक कंसिडरेशंस रही थी। अगर हम एनसीएफ 2000 की बात करते हैं तो उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात थी कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, एक कॉमन स्कूल कल्चर की बात थी, एक कोर करिकुलम बनाने की तैयार करने की बात थी, सीसीई की बात थी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वोकेशनल एजुकेशन की बात 2000 के जो एनसीएफ जो था उसमें भी की गई थी, मिनिमम लर्निंग लेवल्स की बात थी, वैल्यू एजुकेशन एंड मैनेजमेंट वैल्यू एजुकेशन की बात भी थी उसमें, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी की बात थी, स्ट्रेस फ्री ईसीसीई की बात भी उसमें की गई थी, ओपन लर्निंग सिस्टम का भी जिक्र उसमें था। ये बेसिक कंसिडरेशंस थी जो 2000 की करिकुलम एनसीएफ में सोची गई थी। और सेलियंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इंडिजीनियस नॉलेज को एक तरह से उसकी जो है वो जस्टिफिकेशन उसमें दिया गया था कि इंडिजीनियस नॉलेज के ऊपर बातचीत की जानी चाहिए, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। रिलीजन एज अ मेजर सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, जहाँ वैल्यू एजुकेशन की बात थी उसमें रिलीजन की इम्पोर्टेंस पर ध्यान देने की बात की गई थी। इनकल्केशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑल रिलीजन्स की बात थी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट एंड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात थी। यूज ऑफ आईसीटी एंड शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, दो पेडागोजिकल जो अप्रोच थी उसमें चेंज के ऊपर बातचीत की गई थी, एंड नर्चरेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ मल्टीपल टैलेंट एंड क्रिएटिविटी पर भी उसमें ध्यान केंद्रित किया गया था। सो दीज वर द सैलियंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2000। अगर हम हमारा जो एट प्रेजेंट जो वर्किंग है एनसीएफ 2005 अगर उसी को थोड़ा ब्रीफ में देखें तो एनसीएफ 2005 जो है वो इसकी जो प्रेजेंट शेप थी, क्योंकि अभी बात कर रही थी मैम जो प्रोफेसर रंजना अरोड़ा है उन्होंने भी बताया कि इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस, उसमें लगभग एक साल का टाइम जो है वो एससीएफ के लिए ही निर्धारित किया गया है और एनसीएफ के लिए उसका फर्दर टाइम होगा और फिर उस एनसीएफ को भी भेजा जाएगा स्टेट्स में रिव्यू के लिए और कमेंट्स के लिए। तो ये एक छोटा प्रोसेस नहीं होता। इसको सबको यहाँ डिस्कस करने का तात्पर्य यही है कि हम इस कार्य को, इस कार्य की सघनता को, इस कार्य का कॉग्निजेंस लें और ये कितना सीरियस काम है, कितना टाइम टेकिंग जॉब है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने का प्रयास करें। अगर 2005 एनसीएफ की प्रेजेंट जो शेप जिसको हम आज देख रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत जो है वो लगी, तो इसमें चाहे एमिनेंट स्कॉलर्स थे अलग अलग डिसिप्लिन्स के, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनजीओस, एनसीईआरटी फैकल्टी एंड सेवरल अदर स्टेकहोल्डर्स एट वेरियस लेवल्स, उन सबके जो आइडियाज हैं, अलग इंटेंसिव डेलिब्रेशंस थी, चाहे वर्कशॉप्स हों, चाहे कंसल्टेशन मीट्स हों, चाहे ऑनलाइन कुछ सर्वे, कुछ क्वेश्चनेयर्स के द्वारा उनके व्यूज जो हैं वो कलेक्ट किए गए हों, तो ये सब इसमें कार्य किया गया। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन था उसको अगर सिग्निफिकेंटली कहा गया है तो इट वाज फ्रॉम द स्टेट सेक्रेटरीज ऑफ एजुकेशन एंड डायरेक्टर्स ऑफ एससीईआरटी एंड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम रीजनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड एट द रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। तो स्टेट लेवल के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हरियाणा का है, हमारी एससीईआरटी है, हमारे डाइट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबका भी इसमें सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा। एक्सपीरियंसेस जो हैं दे वर शेयर्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स केवीज एंड टीचर्स ऑफ रूरल स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, दे हेल्प इन द शार्पनिंग ऑफ आवर आइडियाज। तो इसमें भी हम ये कहें कि सीपेज जो था वो बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर करने का प्रयास किया गया था। इन एडिशन टू दिस वॉइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, चाहे वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, पब्लिक एट लार्ज, रेगुलर मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प लेते हुए मैपिंग की गई थी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स की। तो एनसीएफ 2005 जो है इट सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर मेकिंग द सिलेबस, द टेक्स्ट बुक्स एंड द टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्कूल्स इन इंडिया। ये जो तैयार किया गया, इसके जो फॉर्मेशन हुआ वो उसके लिए कुछ बेसिस तैयार किया गया। जैसे अभी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने भी कोठारी जो यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र किया, लर्निंग विदाउट बर्डन की जहां बात की गई थी, जिसका जिसको की बेसिस माना गया था एनसीएफ 2005 के लिए। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग एनपीई 1986 एनपीई 1992 एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन,
आफ्टर वाइड रेंजिंग डेलिब्रेशंस। तो आज हम बात कर रहे हैं 25 फोकस ग्रुप्स की या 25 फोकस एरियाज की। एनसीएफ 2005 के लिए 21 फोकस ग्रुप्स और पोजीशन पेपर्स डेवलप किए गए थे एनसीएफ 2005 को फाइनल फॉर्मेशन, फाइनल रूप देने के लिए। और 22 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया गया, 17 स्टेट्स में इसका जो इसके बेसिस पर जो सिलेबस है वो तैयार किया गया। इसके प्रमोशन का जो कार्य था वो एससीईआरटीज और डाइट्स को दिया गया। और इसमें सिग्निफिकेंट बात ये थी कि हमारे राज्य में भी एनॉर्मस वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो टीचर्स के डाइट लेवल पर हुए, जिसके द्वारा कि इसका डिसेमिनेशन, इसकी जो कोर, जो एक सोल थी एनसीएफ की, उसको बताने का, उसको समझाने का कार्य किया गया। प्रेजेंट एनसीएफ जो है, जो एनसीएफ 2005 है वो बेस्ड है, जो इसके हम कहें कि बेसिक कंसिडरेशन हैं या सैलियंट फीचर्स हैं वो हैं कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सीबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ, एंड नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई केयरिंग कंसर्न्स विद डेमोक्रेटिक क्वालिटी ऑफ द कंट्री। तो ये सब इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। और इसके बाद जो इसके कुछ और पॉइंट्स थे, जो मेन इसके जो पॉइंट्स थे वो यहाँ आप सभी के समक्ष दिए हुए हैं। तो इसमें मेन जो बात थी वो रोट मेमोराइजेशन से दूर करने की बात थी। इसमें नॉलेज को बाहर, यानी कि डेली लाइफ से अप्लाई करते हुए, डेली लाइफ के एग्जांपल्स जो हैं उनको साथ में जोड़ते हुए किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग को सार्थक बना सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत थी। क्लासरूम जो लर्निंग थी उसको एग्जामिनेशन के प्रोसेस से जोड़ते हुए उसको फ्लेक्सिबल बनाने की बात की गई थी। तो इसमें जो बात थी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात थी, फीलिंग ऑफ वननेस की बात थी, और सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस की बात थी, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात थी। तो ये मेन इसके फोकस एरियाज थे। अब हम आते हैं एनसीएफ 2021 पर, जिसका कि हमें स्टेट लेवल के लिए टास्क सौंपा गया है। ये एनसीएफ किस प्रकार से तैयार किया जाना है, हालांकि इसके ऊपर बातचीत जो है हमारी मॉर्निंग की मीटिंग की शुरुआत से ही हो रही है, बट क्योंकि हमारी आज की मीटिंग का विषय जो है वो इसी पर केंद्रित है, तो जब हम एनसीएफ 2021 की बात करते हैं तो जो हमारा ये करिकुलम तैयार होगा इट विल बी एज पर एनईपी 2020। जैसा हमारे डायरेक्टर सर ने भी बताया कि जो इसकी सोल रहेगी, जो इसका बेसिस रहेगा, वो फाउंडेशन रहेगा, वो एनईपी 2020 रहेगा। और इसके साथ साथ हर राज्य की जो स्टेट स्पेसिफिक नीड्स हैं, जो स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा। सो एज पर 2020 रिकमेंडेशंस, जिसमें कि एससीएफ या एनसीएफ तैयार करने के लिए जो एक लाइन दी गई है उसको मैं एज इट इज मैंने यहाँ लिया है कि वी प्रोवाइड अ लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एंश्योर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम थ्रू ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर वाइल एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज थ्रू ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट विल बी डेवलप्ड। सो दिस इज द बेसिक आइडिया इन एनईपी 2020 पॉलिसी में ये दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? एनसीएफ बनाने के लिए दिया है कि एनसीएफ जो बनाया जाएगा उसमें इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लाइट बाई टाइट, टाइट का जैसे प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने भी यहाँ मेंशन किया कि ऐप का फॉर्मेशन होगा, टेम्पलेट्स तैयार किए जाएंगे, पोर्टल फॉर्मेशन होगा, तो उसका तात्पर्य यही है कि काफी कुछ जो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उनके लिए कुछ इसमें ऑप्शंस होंगी, तो जिसमें हम ये कहेंगे कि उसमें कुछ बातों को हम कंसीडर किस कुछ में हम फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और कुछ बातों में हम जो हमारे को टेम्पलेट्स या जो ऐप के अंदर इंफॉर्मेशन होगी उसको भरकर उसके अकॉर्डिंग हमें सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन हमारा उसके अकॉर्डिंग होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट फ्रॉम स्टेट ऑनवर्ड्स। जैसा स्टार्टिंग में भी डिस्कस हुआ कि इस बार जो प्रोसेस है वो स्टेट से प्रारंभ होते हुए नेशनल तक जाना है। एंड देन द एससीएफ विल बी सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ एंड द फोकस ग्रुप डिफाइंड फॉर 25 एरियाज विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोजीशन पेपर्स इन देयर कंसर्न फोकस एरिया। जैसे 1 to 25 फोकस एरियाज को मैडम अंशु सिंगला जी ने भी यहाँ डिस्कस किया। दे विल फर्दर सपोर्ट, ये जो पोजिशन पेपर्स तैयार होंगे दे विल फर्दर सपोर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 SCFs। सो एक एग्जाम्पलर पोजिशन पेपर जो एनसीएफ 2005
पर आधारित है, उसका एक ब्रीफ फॉर्मेट आप सभी के समक्ष मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। वो फर्दर हमारी जो स्लाइड है उसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। उससे पहले कुछ एनईपी 2020 के ग्लांस हैं कि इसके क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिनको हम एनसीएफ या एससीएफ की फॉर्मेशन के दौरान हम ध्यान में रखेंगे। बहुत से जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हमारे डायरेक्टर सर ने भी मेंशन किया है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर बजाज सर ने भी उनमें से काफी एरियाज को मेंशन किया है। मे बी उसमें चाहे 21st सेंचुरी स्किल्स की बात है या FLN को अचीव करने की बात है, ECC की बात है या कन्वर्जेंस की बात है, जब जहां फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की बात है या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर होलिस्टिक एजुकेशन की बात है, एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इनकलकेट करने की बात है, मल्टीलिंगुअलिज्म की अप्रोच या सोल को या एक सोच को प्रमोट करने की बात है, वो सभी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि NEP में दिए गए हैं, दे विल सर्व एज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पोजिशन पेपर्स। तो इन सभी पोजिशन पेपर्स को तैयार करने के लिए हम सभी को इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सभी जो पोजिशन पेपर्स जब तैयार किए जाएंगे तो उसमें ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का काम करेंगे। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स के लिए मेरा आप सभी से ये सबमिशन रहेगा कि आप सभी NEP का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ध्यान दें, उसको जरूर देखें, उसको पढ़ें। हालांकि आपने सभी ने उसको अच्छे से पढ़ा भी है। जो हमारे 2005 के जो 21 पोजीशन पेपर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से वेल डिजाइंड है, NCERT के द्वारा तैयार है, एक बार उनको भी गो थ्रू करें ताकि हमारी एक समझ बन पाए कि पोजीशन पेपर्स की क्या डिमांड है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। ये सभी जो है हमारे लिए हेल्पिंग एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का या हमारे एक सोच को ब्रॉडन करने का काम करेंगे सो देट कि हम अपना कार्य और अच्छे से इसमें कर पाए। मैं यहाँ सोशल साइंस का जो पोजीशन पेपर है उसी का थोड़ा सा ब्रीफ आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर हम एजुकेशन ऑफ सोशल साइंस की बात करते हैं और उसमें सोचें कि उसका पोजीशन पेपर तैयार करना है तो ये NCERT 2005 के बेसिस पर ये बात कही गई है कि वाई सोशल साइंस, पर्पज ऑफ एजुकेशन टू अनेबल चिल्ड्रन टू फेस एंड नेगोशिएट सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी। ये उस संदर्भ में जो क्वेश्चंस हैं या जो अपने मन में बातें हैं, अपने मन में जो इश्यूज हैं वो जनरेट होने चाहिए कि जब हम पोजीशन पेपर लिखें या पोजीशन पेपर के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करें, बातचीत करें, तो हमारे जो मन मस्तिष्क में जो सवाल उठते हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग लर्निंग क्या हो सकती है, जैसे फोकस ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन जो है उसको बोरिंग समझते हैं, कंसिडर्ड फार अवे फ्रॉम रियलिटी ऑफ चाइल्ड, नो एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ, बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है वो ज्यादातर इसमें देखने को मिलता है कि केवल डिलीवरी ऑफ कंटेंट होती है, वो डेली लाइफ से रिलेट नहीं हो पाती, करिकुलम ओवरलोड लगता है, टू मेनी टॉपिक्स दिखाई देते हैं, सिस्टम ड्रिवन बाय कंपटीशन एंड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा है। देन रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस शुड फोकस ऑन डिस्कसिंग सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एटसेट्रा, इट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इट शुड ऑल्सो एनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन ऑन अबाउट इश्यूज, फोकस ऑन चाइल्ड्स ओन कंटेक्स्ट एंड एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे राज्य के कंटेक्स्ट में, हमारे राज्य की लोकेलिटी के हिसाब से क्या जो एरियाज हो सकते हैं जिन पे फोकस करना अहम रखता है, अहमियत रखता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड डेली लाइफ ऑफ चाइल्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम सोशल साइंस का लेते हैं तो उसकी कोशिश हम ये करें कि उसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट करके उसको पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और एनकरेज चिल्ड्रन टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस। तो इस प्रकार की अगर हम स्टेप वाइज देखें कि किस तरह से हम पोजीशन पेपर को सोच सकते हैं तो ये एक एग्जाम्पलर है। इस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट्स में भी हम इस तरह की सोच देख सकते हैं। बट फिर से मैं एक बार यहाँ कहना चाहूंगी कि NEP 2020 को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स को, उसमें मेन जो बातें कही गई हैं उनको समझने का प्रयास करें। देन NCERT 2005 या और प्रीवियस NCERT जो है हमारे उनके डॉक्यूमेंट्स तक जाने का प्रयास करें, जैसे कंसर्न जो फोकस एरियाज की हमारी टीम्स फॉर्मेशन हुआ है, उस टीम के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेंबर्स हैं वो ये देखें कि उनका कौन सा एरिया है और उसमें कौन सा पोजीशन पेपर जो है वो हेल्प कर सकता है, तो उसके द्वारा अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास हम सभी
कर सकते हैं और ये एक साल का एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूम में रहेगा, हम डेली एक दूसरे से सीखेंगे और अपने एक नजरिया जो है उसको ब्रॉडन कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम यादव मैम फॉर गिविंग क्लियर कट वे अहेड और ये बताने के लिए कि जब हम SCF के डेवलपमेंट का कार्य करेंगे तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमारे सोल बेसिस और फाउंडेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जब तक वी गेट द ई टेम्पलेट्स फ्रॉम NCERT फ्रॉम द सेंटर तब तक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स वी कैन गो अबाउट गेटिंग नॉलेज और किस चीजों को हम तब तक स्टडी कर सकते हैं। विद दिस फ्रेंड्स वी मूव टूवर्ड्स द लास्ट सेशन ऑफ टूडेज मीटिंग और अब मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर जसनीत कौर को, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, टू शेयर हर व्यूज ऑन द फोकस ग्रुप पोजिशन पेपर विच वी ऑलरेडी हैव ऑफ मैथमेटिक्स विच वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 2005। ओवर टू यू जसनीत मैम। Good afternoon, everybody. Thank you for giving me the opportunity to share my views on how to go about the position paper of mathematics. As everybody has elaborated so much on that how we are going to follow the guiding principles as given by NEP 2020, ये तो है ही है कि mathematics को NEP 2020 में बहुत फोकस किया गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में उभर के बाहर आया है, चाहे वो सोसाइटी डेवलपमेंट हो, डिसीजन मेकिंग हो, या वो किसी भी सब्जेक्ट एरिया में यूज़ करने के लिए हो। तो मेरा अभी जो फोकस है, आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स टू इलेबोरेट कि हम कैसे फोकस ग्रुप पोजिशन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में सोच सकते हैं और उसको एक नया रूप दे सकते हैं। Though it is one of the best document, I would say, जो अभी तक इंडिया ने प्रोड्यूस किया है मैथमेटिक्स का पोजिशन पेपर, और इसमें ऐसा बहुत कुछ है जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो येस इट कैन रियली मेक सम चेंजेस। तो लेकिन अब क्योंकि हमें नया एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है पोजिशन पेपर मैथमेटिक्स का, तो येस वी कैन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी कैन टेक रेफरेंस ऑफ NCF, सॉरी दिस पोजिशन पेपर 2005 मैथमेटिक्स, then the guiding principles NEP 2020. But apart from this, I would just talk about 3 important things that we can think about for creating this document. First, agar hum ye baat kare ki पोजिशन पेपर जो है, पोजिशन पेपर मैथमेटिक्स का कुछ ग्राउंड पे क्रिटिसाइज हुआ था जब ये आया था, वो पॉइंट्स थे जैसे कि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज की गई हैं जिसके मीनिंग क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैथमेटाइजेशन, सो मैथमेटाइजेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म एंड हाउ डू वी गिव मीनिंग टू इट। तो अगर हम हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वी कैन थिंक ऑफ दोज टर्म्स विच नीड्स इलेबोरेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटाइजेशन, देन वी हैव देर इज अ टॉक अबाउट मैथमेटिकल प्रोसेस इन पोजिशन पेपर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूरिस्टिक, ऑप्टोमाइजेशन, रिप्रेजेंटेशंस। सो हाउ कैन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ हरियाणा, तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं कि हम इसको हरियाणा के टर्म्स में कैसे लेते हैं। दूसरा पॉइंट आई वुड टॉक अबाउट, क्योंकि देर इज अ टॉक अबाउट कि हमें कॉन्टेक्स्ट का फ्लेवर देना है, सो इफ यू टॉक अबाउट आउट ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स, तो स्पेसिफिक टू हरियाणा हम उसको कैसे जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं स्कूल मैथमेटिक्स के साथ। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक रिसर्च पेपर पढ़ा था मिताली पांडे का, जिसने ट्राइबल एरिया में काम किया है, तो उस ट्राइबल एरिया में व्हाट शी सॉ दैट स्टूडेंट्स जब उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा था तो वो बच्चे मैथमेटिक्स के सिंपल ऑपरेशंस भी नहीं कर पा रहे थे, बट इट वॉज अ एथनोग्राफिक स्टडी। तो जब उसने देखा कि वो बच्चे जो वहाँ की गेम्स खेल रहे थे उसमें वो हायर ऑर्डर थिंकिंग यूज कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट लॉज को यूज कर रहे थे, तो इन दैट सेंस दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। इवन दे वर यूजिंग बेस 5 सिस्टम,
which was commonly used to sell and purchase things. तो अब हमें भी इस अगर हम इस लाइंस पे देखें कि हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में हमें आउट ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स से क्या क्या मिल सकता है, क्या कुछ ऐसी गेम्स हैं जो बच्चे खेलते हैं और जिसमें मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, क्या कुछ ऐसा आर्ट है, कुछ ऐसे हमारे पास ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें जो स्पेसिफिक टू हरियाणा जो है जिसमें मैथमेटिक्स उभर के बाहर आ रहा है. तो वी कैन थिंक ऑफ इंटीग्रेटेड दोज थिंग्स इनटू द पोजीशन पेपर. एंड थर्ड थिंग आई वुड फोकस दैट वी कैन आल्सो बिकॉज एनसीएफ 2005 वाज रिटन इन ऑब्वियसली 15 इयर्स बैक, सो वी कैन थिंक ऑफ लुकिंग एट द रीसेंट रिसर्च विच हैज बीन डन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन. Like we have ICMI, we have PME, which talks about the international research which has been done till now. तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम जो है पोजीशन पेपर को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस विच वॉज नॉट टॉक अबाउट इन 2005. तो इस तरीके के इनपुट्स वी कैन पुट ऑन टू क्रिएट पोजीशन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स. सो यस वी नीड लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन दिस. तो जब हमारे SCF ग्रुप बैठेंगे तो उसमें बहुत सारे डिस्कशन से और चीजें निकल के आएंगी. बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जसमीत जी. थैंक यू. आगे अभी मैं जो हां जी सर अभी हम बातचीत कर रहे हैं सुबह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए कैसे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, हमारे नेशनल लेवल पर करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होगा, उसका एक नींव रखी जाएगी स्टेट करिकुलम के माध्यम से. और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क में किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमने डायरेक्टर साहब के माध्यम से सुना, उसके प्रोसेस इसका प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से डील करेंगे उसके बारे में हम मैडम रंजना अरोड़ा जी से सुना. फिर हमारे अंश सिंगला जी ने पूरी स्ट्रेटजी कब कब क्या क्या होना है उसके बारे में डिटेल से बताया. और इसके लिए स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो एनसीईआरटी से हमें मिला है और इसमें डेट वाइज मंथ वाइज क्या क्या काम होना है वो हमने अभी आपके डाइट प्रिंसिपल्स के ग्रुप में शेयर कर दिया, वो आप वहां से ले सकते हैं. रोड मैप यही रहेगा, आप उस स्ट्रेटजी पेपर को देखेंगे उसमें सबसे पहले जो जून का महीना है जिसकी कल से शुरुआत होने जा रही है उसके लिए हमने पहला टास्क करना था जिसके माध्यम से आज हम जुड़े हैं, वो है हमें टीम बनानी है सबसे पहले. और टीम बनाने के लिए आप सभी डाइट प्रिंसिपल्स को बहुत तरह से चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं से भी जो भी आपको लगता है कि आपके फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनके नाम SCERT को प्रपोज करें. उनमें से कुछ लोगों को जिन लोगों को हम SCERT के माध्यम से और आपसे कंसल्ट करने के बाद जो टीम फाइनलाइज होगी वो 8 या 9 लोगों की एक टीम होगी जो उस पोजिशन पेपर में काम करेंगे. लेकिन वो मेन टीम होगी, उनको सपोर्ट करने के लिए आप सपोर्टिंग टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी लोगों को बातचीत कर सकते हैं आप उनसे, अलग अलग मीटिंग्स कर सकते हैं और सभी मीटिंग ऑनलाइन. ये एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, पेपरलेस कंसल्टेशन होनी है, रिपोर्ट्स भी सारी सॉफ्ट कॉपी में तैयार होनी है, आपको सारा टाइप कराना है. तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब आने वाले समय में आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपको सर्वे के लिए फॉर्म मिलेंगे, आपको अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो एक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, जल्दी ही हम आपको आज लेटर भेज देंगे, एक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर भी आपने हर एक डाइट में फिक्स करना है जो इसको इस सारे प्रोग्राम को जिस तरह से जो टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिएगी वो उसमें हेल्प करेंगे. और एक और कोऑर्डिनेटर, अभी तक हमने दो हमने जो भी मेंबर्स अभी तक फाइनलाइज किए हैं, तो सबसे पहले तो मेरे पास अभी जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे, एक तो रोड मैप क्या रहेगा, तो जून के महीने में हम सबने 20 जून तक, आपने 20 जून तक सबने हमें एक लिस्ट फाइनल करनी है जो आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को प्रपोज करेंगे जो इस करिकुलम फ्रेमवर्क में आपकी टीम के सदस्य रहे. और इसमें मैं बता दूं कि ये तो मेन टीम रहेगी, स्टेट लेवल की टीम रहेगी, लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएटिव्स होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट होगा और हर एक पोजीशन पेपर के लिए होगा. यानी कि जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हिसार जो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पे काम कर रहा है, तो मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग जिलों में भी हम क्वेश्चनेयर भेजेंगे
और वो अलग अलग डाइट्स उस पर काम करेंगे। तो यानी कि एक डाइट जो है वो एज ए कोऑर्डिनेटिंग टीम वो उसको पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करेगी, और जो टीम फाइनल कमेटी बन जाएगी उसके साथ एक मेंबर सेक्रेटरी के रूप में वो डाइट प्रिंसिपल उसमें मेंबर रहेंगे। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अपनी टीम बहुत स्ट्रांग टीम प्रपोज करनी है जो इस आपके जो जिस भी एरिया को आप चूज करने वाले हैं, जो आपने सिलेक्ट कर लिया है या जो आपको हमने अलॉट कर दिया है, उसमें आपको बेहतर एक्सपर्ट्स, और हम भी आपको सुझाएंगे, एससीईआरटी भी अपने लेवल पे ट्राई करेगी, नेशनल लेवल के कुछ एक्सपर्ट्स अगर हमें जुड़ना, कई बार हम उनको एज ए गेस्ट फैकल्टी भी इन्वाइट करेंगे जब हमारी टीम्स बन जाएंगी, तो हम उनको कुछ एनसीईआरटी को एज ए गेस्ट फैकल्टी भी इन्वाइट कर लेंगे। तो आपको अभी 20 जून तक अपनी टीम फाइनलाइज करनी है, आपने 10 जून तक हमें नाम भेज दें, फिर हम उस पर चिंता बातचीत करेंगे। आपके कोऑर्डिनेटर के नाम और फोन नंबर, हर एक डाइट के साथ एक नोडल ऑफिसर एससीईआरटी का है, उसका फोन नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, मेल भी कर देंगे आपको, और उससे आप बातचीत करें, आप उनको अपने सारे इनपुट्स देते रहें, और वो आपके जो नोडल ऑफिसर है वो एससीईआरटी को आगे पुटअप करेंगे कि किस तरह की चर्चा की आवश्यकता है, किस कार्रवाई की आवश्यकता है, किस तरह के स्टेप लेने की आवश्यकता है। और क्वालिफिकेशन, जहां से एक दूसरा क्वेश्चन था कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, देयर इज नो क्वालिफिकेशन एट ऑल। हमें एक्सपर्ट्स जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास वो क्वालिफिकेशन या पर्टिकुलर कोई डिग्री हो, इम्पोर्टेंट है उनका एज ए एक्सपर्ट उस फील्ड में एक्सपीरियंस, उस फील्ड में काम करने का तरीका, उस फील्ड में उनके डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें अगर उन्होंने अवेलेबल है तो उनको आप जरूर एक ब्रीफ शेयर कर दें, आप थोड़ा प्रोफाइल उनका शेयर कर देंगे, ताकि हम एससीईआरटी लेवल पे उनको रिकमेंड करके और फाइनल कमेटी कर दें। तो 25 फोकस ग्रुप बनने हैं, और इसके अलावा 4 स्टीयरिंग कमेटी जो हमारी करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए है वो अलग से बनेगी। पहले पोजिशन पेपर तैयार होंगे, उसके बेस पे हमारे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट तैयार होगा। तो ये 2 प्रश्न आए थे हमारे पास, इन 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब कोई भी डाइट फैकल्टी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे से प्रश्न पूछ सकते हैं। बजाज सर, चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन है फ्रॉम भूपिंदर जी, विच इज कि जून के महीने में डाइट्स को ऑन इमीडिएट बेसिस कौन सा कार्य करना है, एक बार इसी विषय में दोबारा बता दीजिए। मैंने अभी बताया है, जून में हमें कमेटी के नाम फाइनल करने हैं। आप अपने सभी जो भी लोग हैं जो डाइट में ऑलरेडी मेंबर्स आएंगे, बाकी लोग तो हम चूज करेंगे, लेकिन जो डाइट की फैकल्टी है वो डाइट फैकल्टी कम से कम उस टॉपिक पर, अभी एनसीएफ में जो पोजिशन पेपर एग्जिस्टिंग पोजिशन पेपर है वो क्या कह रहा है, और हमारे स्टेट के परस्पेक्ट में क्या चीजें हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो सोचना शुरू करें, एक ब्रीफ गाइडलाइन शुरू करना शुरू करें। लेकिन हमारा मेन फोकस अभी जो टाइमलाइन एनसीईआरटी ने दी है उसके हिसाब से हमें अभी जून में कमेटियां फॉर्म करनी है। तो मेरे ख्याल से हम उनसे एक स्टेप आगे चलें, जैसे हमने आज मई में ही हमने फोकस ग्रुप की बेसिक जो हमने कोऑर्डिनेटिंग टीम है वो कोऑर्डिनेटिंग टीम बना दी है। कोऑर्डिनेटिंग टीम अब हमारे मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी और मेंबर्स को प्रपोज करेगी एससीईआरटी को, और एससीआरटी फाइनलाइज करके फिर आपसे, आप 9 से ज्यादा भी लोग भेज सकते हैं, कितने भी लोग आप भेज सकते हैं उनके नाम भेजिए, ताकि हम उनसे बातचीत करेंगे, हमारे जो नोडल कोऑर्डिनेटर हैं वो और हमारे हायर अथॉरिटीज के साथ बातचीत करके, और आपको वो कमेटी के नाम फाइनलाइज करेंगे। यू कैन प्रपोज मोर देन 10 ऑल्सो, सो बट फाइनलाइज फाइनल कमेटी विल हैव 9 to 10 members. Thank you so much, Bajaj sir, for your guidance and your expert advice. हमारी चैट बॉक्स में जितने भी questions थे, we had a question from Diet Chanoli, from Dr. Seema Sharma and from Shri Bhupinder ji. ये तीनों questions sir ने address कर दिए हैं। अगर किसी का और question है right now, you can please ask. अपने आप को आप unmute करके question पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं राजदेव सिंह बोल रहा था। हेलो
सर पहले डॉक्टर सीमा शर्मा का क्वेश्चन था, वो ले लेते हैं, फिर आपका ले लेते हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बजाज सर, बस एक छोटा सा, बस यही एक कंफर्म करना था कि अभी जैसे आपके बात से मैं समझ पाई हूँ कि हम लोग 10 और मोर देन 10 पीपल एक्सपर्ट्स, जो हमको एरिया दिया गया है पर्टिकुलर डाइट को, उस एरिया से रिलेटेड ऐसे 10 एक्सपर्ट्स फ्रॉम एनीवेयर वी कैन पिक, हम चाहे डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकते हैं, स्टेट से भी, या कंट्री से कहीं से भी ले सकते हैं, तो किसी दूसरी स्टेट से भी ले सकते हैं। तो इज दैट ऑल राइट, क्या मैं ठीक समझी हूँ? बिल्कुल सही है, आप ले सकते हैं, क्योंकि सारा ऑनलाइन डिस्कशन होना है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और रिटायर्ड भी हो सकते हैं वो? हाँ, रिटायर्ड भी हो सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बजाज सर नमस्कार। यस, जो फोकस पेपर, एक मिनट, अभी जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, मैं बता दूं कि पोजीशन पेपर का मैंने डाइट प्रिंसिपल्स को लिंक भेज दिया है, एनसीईआरटी के जो पुराने पोजीशन पेपर हैं या जो पुराने एनसीएफ हैं, वो सभी का लिंक मैंने डाइट प्रिंसिपल के साथ शेयर कर दिया है। डाइट प्रिंसिपल, प्लीज सभी डाइट फैकल्टी को इसको शेयर कर दें। हाँ राजदेव जी बोलिए। हाँ सर, वो लिंक तो मिल गया था, सबको शेयर कर दिया हमने। और दूसरी बात सर, कि एक टीम तो जून तक, 10 जून तक फाइनलाइज लगभग हमने तो कर भी दी थी, जो पोजीशन पेपर मैथमेटिक्स के लिए थी। और एज फार एज एस सी एफ इज कंसर्न, उसकी भी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है कि आइडेंटिफाई करना। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ से डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर रेणु यादव, सी डी एल यू सिरसा से डॉक्टर राजकुमार, ये सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, साथ जोड़ा है। उनसे कंसेंट ले लीजिए, एक रिटर्न उनसे कंसेंट ले लीजिए, दे आर रेडी टू वर्क, और वो कंसेंट हमें भेज दीजिए, उसके बाद हम फाइनलाइज अप्रूव करके कमेटी का नाम भेज देंगे। हाँ जी, तो सारे अप्रूवल जरूरी है, एससीईआरटी से अप्रूवल लेनी जरूरी है एक बार कमेटी के। हाँ जी, तो एससीएफ के लिए भी प्रक्रिया कर दें शुरू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर। अभी पहले काम जो होगा, पहले पोजीशन पेपर का होगा, पहले पोजीशन पेपर तैयार होंगे, उसके बाद हम एससीएफ की बातचीत करेंगे। हाँ जी, लेकिन कमेटी तो बना दें, एससीएफ की भी तैयारी कर लें। हाँ कमेटी बना लें। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू बजाज सर। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्लोजिंग। आज की इस बैठक के पश्चात हम ये समझ गए हैं कि सभी का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस प्रोजेक्ट। एससीएफ पोजिशन पेपर्स के निर्माण कार्य को एक मिशन मोड में लेकर आप सबके सहयोग, समन्वय व सहभागिता तथा अपने अधिकारियों के कुशल नेतृत्व से ही इस कार्य को सफलता की ओर ले जाना है। अब मैं इनवाइट करती हूं मैडम अंशु सिंगला जी को फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। मैडम अंशु, ईश्वर जी कुछ कह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। सर वेट कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर जो अभी इसमें हम देख रहे हैं, ईश्वर जी बताइए कुछ कह रहे थे आप। इशार डाइट ये जो टीचर एजुकेशन को लेकर के दिया हुआ है टॉपिक, जिसके अंदर फतेहाबाद डाइट का भी नाम है। तो ये हम टीचर एजुकेशन को लेकर के पर्टिकुलर फोकस पर उसी पर काम मतलब विस्तार से करना है, बाकी सभी जैसे अभी सर बता रहे थे कि चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, वो किसी और को दिया है, लेकिन उसका भी सर्वे की जब बात आएगी तो यहाँ के एरिया में भी करेंगे क्या, इसी प्रकार ये मेरा जो मानना है वो ठीक है? ईश्वर जी, एससीएफ और टीई के लिए अपनी जो डाइट इशार नोडल एजेंसी है और 4-5 डाइट अपने साथ जोड़ी गई है, तो जब एससीएफ बनाएंगे तो हम मिलके इस पर काम करेंगे टीई के ऊपर। ये सिरसा, फतेहाबाद, इशार, रोहतक, जींद और अंबाला डाइट। जी थैंक यू सर। हाँ जी, आई थिंक ईश्वर जी की डाउट क्लियर हो गया है। तो अंत में हम इस ऊपर आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप सबका डायरेक्टर एससीआरटी डॉक्टर ऋषि गोयल जी, डिप्टी डायरेक्टर सुनील बजाज जी, रविंदर अलाबादी जी, हमारे एससीआरटी से डॉक्टर प्रोफेसर रंजना अरोड़ा जी, सभी डाइट प्रिंसिपल्स, सभी डाइट फैकल्टी और एससीआरटी से सभी हेड ऑफ विंग्स, अलग अलग इंचार्जेस और सभी एससीआरटी, इन सभी का मैं मैडम ज्वाइंट डायरेक्टर, हाँ जी जी डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम सॉरी संगीत यादव जी, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मीटिंग में जुड़ने के लिए।
तो आज की मीटिंग के बाद हमें कुछ लगना शुरू हो गया, आई थिंक मुझे तो फील हो रहा है, तो आप सबको भी लग रहा होगा कि हाँ ये कार्य, जैसे अभी तक जिसको भी हमने कहा था तो वो बड़े कंफ्यूज से थे कि जी हमने तो कभी बनाया नहीं, तो हमने कहा था कि हम, मैं भी नई हूँ, सभी नए हैं, तो एक हमें अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, तो हम इसके लिए हम एनसीईआरटी को फिर से एक बार धन्यवाद भी करना चाहेंगे, और हमें बीच में इन्वॉल्व किया जाए तो वी आर फीलिंग अवर सेल्फ लकी, और हम इसने अपने काम पे पूरे खरे उतरेंगे, ऐसा हम अपना हायर अथॉरिटीज को विश्वास दिलाते हैं, और आपसे भी मुझे बहुत उम्मीद है। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हुई एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक डॉक्टर अश्विनी मंगला जी का यूट्यूब पर क्वेश्चन आया है कि हाउ 25 पोजीशंस आर डिवाइडेड इनटू 4 एससीएफ। तो फ्रेंड्स ये आप थोड़े टाइम के बाद ही हम आपको भेज देंगे, जैसे ही पोजीशन पेपर तैयार होंगे, आप पोजीशन पेपर देखकर भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि जैसे करिकुलम, स्कूल करिकुलम की बात करें तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ साइंस, दे विल बी ऑल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। इसी तरह से जो अर्ली चाइल्ड का है वो किस तरह से हमारे ECC के करिकुलम फ्रेमवर्क का पार्ट बनेगा, इसी तरह से जो बाकी चीजें हैं वो आपको ऑटोमेटिकली जो स्कूल करिकुलम में, जैसे नॉलेज ऑफ इंडिया की बात करें या हम इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको ऑटोमेटिक नजर आना लग जाएगा। फिर भी हम एक रिटर्न में जैसे ही वो डॉक्यूमेंट आएगा हम आपको रिटर्न में भेज देंगे कौन सा किस करिकुलम फ्रेमवर्क में पोजीशन पेपर काम आएगा, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक शुरुआत की है, आज इंट्रोडक्टिव मीटिंग थी, एक हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। आप सभी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, इस पुराने पोजीशन पेपर को पढ़ें, नए पोजीशन पेपर कैसे तैयार होने हैं उसके बारे में एक ब्रीफ गाइडलाइंस आज आपको दी गई हैं, बाकी इस पर चर्चा करते रहेंगे और नई डेवलपमेंट जैसे जैसे होती रहेगी हम आपको शेयर करते रहेंगे, जैसे टेम्पलेट आएगा हम आपको टेम्पलेट शेयर करेंगे। धन्यवाद।